Okay, let's start. Let's start, guys. Come on. Welcome back. So, guys, we are moving. Can you please? Sun sakte aap? Mujhe. Arey, aap sun sakte kya mujhe? Okay, let's start. Okay, let's start. Let's do it. Okay, let's do it. Come on, guys. So, guys, we are moving on chapter number 2 now. It's time to start chapter number 2. Are you ready, guys? Yes, sir. Chapter number 2. Chapter number 2. Yes, sir. Yes? Come on. Yes, sir. So, aapko chapter number 2 mein batana hai sabse pehle. ये चैप्टर में आप देख रहे हो उसका नाम है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. एंड इसमें लिखा है कि बहुत सारी चीजें इसमें, पहले तो आप जानना पड़ेगा इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में फर्क क्या है. व्हेन द ईआरपी सॉफ्टवेयर वॉज नॉट देयर, व्हेन दिस ईआरपी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर वॉज नॉट देयर, फॉर एवरी डिपार्टमेंट वी यूज टू हैव डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर फाइनेंस मार्केटिंग एच आर प्रोडक्शन इन्वेंट्री. हर किसी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हुआ करते थे. सपोज आई एम द टॉप मैनेजर एंड आई वॉन्ट टू एक्सेस द डेटा ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. फॉर मी इट वॉज इंपॉर्टेंट टू ओपन ऑल द सॉफ्टवेयर एंड देन आई वॉज एबल टू गेट द व्हाट डाइवर्सिफाइड डेटा. आई वॉज नॉट एबल टू गेट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. दैट इज वाई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर इंट्रोड्यूस्ड. ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड which integrates all the departments. Suppose I want to see the sales, I will be getting the sales of all 200 branches together. Suppose finance manager wants to know about the marketing and HR and the production, they don't have to communicate with each other directly, they would be getting data from the common server. Aaj ke baad mein har kisi department ka common server hoga, sabka data ek hi jagah pe hoga, par rule follow kiya jayega. RBAC rule based रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. इसका यह मतलब हुआ कि सबको उतना ही डेटा दिखाया जाएगा जितने उसके काम से संबंधित है. सबका डेटा एक जगह पे होगा, मंजूर है, पर सबको सबका डेटा नहीं दिखाया जाएगा. उसको उतना ही डेटा दिखाया जाएगा जितना उसके लायक है. आज के बाद जाना कॉमन सर्वर आएगा, एक ही जगह पर सब कुछ आएगा. हर एक का हार्ड डिस्क, हर एक का डेटा सर्वर एक, सबका एप्लीकेशन एक, सबका मालिक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर है. पहले जमाने में दोस्तों जब नॉन इंटीग्रेटेड था उस जमाने में सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग थे. दोस्तों अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आज की बात करूंगा तो मेरा सेल्स, मेरा डिस्पैच, मेरा सीआरएम, सबका सॉफ्टवेयर मैंने एक ही बना दिया है. सोचो सेल का सॉफ्टवेयर अलग होगा और डिस्पैच का अलग होगा, तो जब सेल होने के बाद में डिस्पैच को समझेगा नहीं कि डिस्पैच किसको करना है, और कस्टमर रिलेशनशिप वाले अगर फोन आता है कि मेरे डिस्पैच का क्या हुआ तो वो देखकर कुछ बता ही नहीं पाएगा. आज हमारे सारे डिपार्टमेंट के अंदर हर किसी व्यक्ति को हर कुछ डेटा दिखता है. मेरे डिस्पैच वालों को, सेल्स वालों को अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिस्पैच वालों को भी सेल्स का डेटा आराम से दिख ही जाता है. दोस्तों जमाना अब इंटीग्रेटेड का हो चुका है. आई होप मैंने सबके बारे में बिना बता दिया. बताएंगे दोस्तों इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, कहां पे सब कुछ लिंक्ड होगा. इंटीग्रेटेड ईआरपी किसका एग्जांपल है, कहां पे लिंक्ड नहीं होगा. नॉन, आप बताएंगे दो प्रॉब्लम नॉन इंटीग्रेटेड के साथ में होंगे. यहां पर लिखा हुआ है क्या नाम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड मिसमैच. बताओ कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरे डिस्पैच वालों को बार बार सेल्स वालों को पूछना पड़ेगा, बता भाई तूने कितना सेल किया हुआ है. हो सकता है ये भी प्रॉब्लम है कि मिसमैच हो जाए, वो बोले कि इतना सेल हुआ और इसने सुना होगा इतना सेल हुआ, उसने बोला होगा इसको डिस्पैच कर देना, इसने डिस्पैच कर दिया किसी और को. तो दोस्तों देर कैन बी वॉट मिसमैच ऑफ डेटा, देर कैन बी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. दोस्तों मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नॉन इंटीग्रेटेड नहीं है, मेरे पास में क्या है इंटीग्रेटेड है. इसलिए नाम कम्युनिकेशन गैप होता है, बिकॉज डिस्पैच वालों को आराम से सेल्स दिख जाता है और सेल्स डेटा दिखता है, तो मिसमैच का सवाल ही पैदा नहीं होता. इसी के साथ में ये भी खत्म, आगे बढ़ेंगे. दोस्तों हमारे पास में एक प्रश्न आपके लिए है. इंटीग्रेटेड का मतलब यहां पे ईआरपी, और ये सब जो लिखे हैं वो ईआरपी के क्या लिखे हैं, ईआरपी के फायदे लिखे हैं.
दोस्तों इंटीग्रेटेड बोलो या ईआरपी बोलो, वात वनंदी सेवी, दोनों का मतलब एक ही होगा। आगे बढ़ना होगा आपके साथ में एग्जामिनेशन को। अगर आपने किसने पूछा कि फीचर्स ऑफ आइडियल ईआरपी, एक्चुअली आईसीएआर ने यहां पे प्रिंट मिस्टेक किया हुआ है, इस क्वेश्चन का नाम कुछ अलग होना चाहिए। दोस्तों सीए पैनल में जब फीचर्स हुआ करते थे तो उसका जवाब कुछ और था, यहां पे आईसीएआर का प्रिंट मिस्टेक है। आईसीएआर बोलती फीचर्स मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि दोस्तों जब हम लोग ईआरपी बाय करते हैं तो हमें फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, सारे के सारे सीआरएम, एसएम, सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं। उन मॉड्यूल्स का नाम ही गलती से उन्होंने फीचर्स में लिख दिया। आप भी वही करना, आप उन्होंने गलती करा आप भी गलती कर देना। जब भी एग्जामिनेशन में फीचर्स पूछेंगे तो आपको लिखना है फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, सबका नाम लिख देना, उसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ ईआरपी। आगे बढ़ने का समय आ चुका है। फ्रंट एंड और बैक एंड का मतलब क्या है? दोस्तों आपके सामने ये जो दिख रहा है, अगर मैं किसी भी वेबसाइट पर जाऊं, तो दोस्तों अगर मान लीजिए मैं कहीं भी एक तरफ फ्लिपकार्ट पे जाता हूं, मैं आप बात करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या है। मेरे सामने इस समय जो दिख रहा है ये स्क्रीन, इट इज फ्रंट एंड, बट डेटा इज नॉट स्टोर्ड हियर, डेटा इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, बैक एंड। तो क्लाउड को क्या बोलेंगे? बैक एंड। डेटा कहां दिख रहा है? फ्रंट एंड पे। मांगता कौन है फ्रंट एंड? डेटा कौन है? बैक एंड देता है। तो कौन यूजर से बहुत नजदीक होता है? फ्रंट एंड होता है। यह भी आपको समझ चुका है। आगे बढ़ना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। अब यहां पर आया हुआ है, एक इंस्टॉल्ड है और एक वेब है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा इंस्टॉल और वेब की, या इंस्टॉल और क्लाउड की। क्लाउड और वेब वन एंड द सेम ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर अगर मैं बात करता हूं इंस्टॉल और वेब की, तो समझ लीजिए जो सॉफ्टवेयर, जैसे एग्जांपल swapnilpatni.com का जो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर इससे मुझे सारे रिपोर्ट मिलते हैं, व्हेनेवर यू टेक द एडमिशन इट गोज वेब। अब मैं आपको यहां पर डेटा दिखाना चाहता हूं। देखो यहां पर मैं लिखता हूं स्वप्निल पाटनी, यहां पर देखो मैं, यार क्या करूं मैं। देखो मैं आपके लिए कुछ लिख रहा हूं यहां पर, अब जरा ध्यान से देखिए। अब जरा देखिए ये जो है, ओ जेपीएफ क्यों खुल रहा है यार, चलो ओके। ये जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये जो डेटा है इट इज कॉल्ड एज अ फ्रंट एंड, ये है पूरा फ्रंट एंड। और यहां पे डेटा कहां से आ रहा है? बैक एंड से आ रहा है। अब मुझे ये तो सब क्लियर है, पर एक सवाल उठ रहा है, मेरे पास में एक टैली सॉफ्टवेयर है और एक है, ये है स्वप्निल पाटनी का सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों ये जो मेरा डेटा है, आप इंडिया में किसी ने भी कहीं से भी एडमिशन लिया तो इसका डेटा कहां जाता है? वो क्लाउड पर जाता है। अब मेरे साथ में क्या होता है, जो मेरा ये स्वप्निल पाटनी का जो सॉफ्टवेयर, स्वप्निल पाटनी जो एमआईएस का जो सॉफ्टवेयर है, इसका डेटा मेरे लैपटॉप में नहीं, इसका डेटा क्लाउड पर है, इसलिए मैं उसको वेब एप्लीकेशन, इसलिए उसको क्लाउड एप्लीकेशन बोलता हूं। पर मेरे पास मेरे ऑफिस में एक टैली नाम का सॉफ्टवेयर भी है जिसका डेटा उस लैपटॉप में स्टोर होता है। फिर सवाल बोलेगा सर व्हाट इज द डिफरेंस, दोस्तों किसका डेटा लैपटॉप में और अपने हार्ड डिस्क में होता है? आंसर है इंस्टॉल्ड, क्योंकि वो इंस्टॉल उसी जगह से है, उसे टैली का डेटा मैं यहां से इस जगह से नहीं देख सकता, उसके लिए मुझे ऑफिस को जाने की जरूरत पड़ेगी। बट इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट स्वप्निल पाटनी का जो एमआईएस का जो सॉफ्टवेयर है, जिसके वजह से उनको समझता है कि कितने कितने एडमिशन हुए, द डेटा stored on what? Web. Data is stored on what? Cloud, which is accessible from what? Anywhere in the world. आप बताइए कहां पे डेटा हमारे हार्ड डिस्क में होगा? आंसर है इंस्टॉल। कहां पे क्लाउड पे होगा? आंसर इज व्हाट? वेब में होगा। कहां पे हमारी सिक्योरिटी, हमारा कंट्रोल ज्यादा होगा? आंसर इज व्हाट? इंस्टॉल। कहां पे दुनिया में से कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं? आंसर इज वेब। कहां पे दुनिया में से कहीं भी एक्सेस करना मुमकिन नहीं है? समझ गए? इंस्टॉल में क्या होता है, अपनी हार्ड डिस्क में उसका स्टोर होता है डेटा, यहीं पे एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में होता है और डेटा भी यहीं स्टोर होता है, इसलिए उसका एक्सेस दुनिया में कहीं से भी नहीं होता। इसलिए मैंने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड के बदले क्या कर दिया, स्वप्निल पाटनी क्लासेस का जो एमआईएस सॉफ्टवेयर है, इट इज प्योरली वेब बेस्ड, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम व्हाट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेरे आजकल एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको भी अपने अपने घरों से डेटा दिखता है। अगर इंस्टॉल हुआ होता तो लॉकडाउन के दौरान हम लोग काम ही नहीं कर पाते। आगे बढ़ना हो, आगे बढ़े, चलो कम ऑन गाइस, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट। ये सब होने के बाद में आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ डेटा। दुनिया में दो टाइप के डेटा होते हैं, एक मास्टर एक नॉन मास्टर। सर ये मास्टर नॉन, मैंने आपको क्लास के अंदर टैली वाले सॉफ्टवेयर को भी दिखाया था, मैंने आपको बोला था मास्टर बनाने की जरूरत बहुत होती है, यू के नॉट स्टार्ट एंटरिंग डेटा, यानी कि नॉन मास्टर को एंटर ही नहीं कर सकते जब तक आपने मास्टर ना बनाया हो। सर मास्टर कौन से क्या, मास्टर में क्या होता है कि जो हमारी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पेरोल की बात करें, पेरोल का मास्टर की बात करेंगे, या फिर मान लो अकाउंटिंग की बात करते, किसी भी जैसे एग्जाम्पल पेरोल का लेते,
पेरोल के अंदर एम्प्लॉय के सैलरी को रिकॉर्ड करने से पहले एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस, उनका जेंडर, उनका क्वालिफिकेशन, उनका ईमेल आईडी, उनका सब कुछ पहले लिखवा देते हैं। जो चीजें बार बार चेंज नहीं होने की होती है उसको मास्टर में स्टोर करते हैं, और जो चीजें बार बार चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मास्टर, उसका दूसरा होता है ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। जैसे एम्प्लॉय को हर महीने में सैलरी देना है, वो तो वेरी कर सकती है, वो तो कम ज्यादा हो सकती है, इसे उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, उसको बोलते हैं नॉन मास्टर। पर जो चीजें बार बार चेंज नहीं होती उसको मास्टर में स्टोर कर दे। सर मास्टर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, हर बार जब भी एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे तो उसका नाम डालो, उसका एड्रेस डालो, उसका मोबाइल नंबर, उसका सारी आधार कार्ड, उसका जीमेल, उसका ईमेल आईडी, ये सारी चीजें अगर हम लोग हर बार लिखेंगे इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए जो चीजें बार बार नहीं लगती है, ऐसे बार बार लगती है उसको मास्टर में स्टोर किया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। या ओके, तो ये बात है। उसके बाद में आप सभी को समझना चाहिए मास्टर के अंदर कितने बच्चे, चार, ए आई पी एस, यानी ए आई पी एस, ए फॉर अकाउंटिंग, आई फॉर इन्वेंटरी, पी फॉर पेरोल, एस फॉर, यानी कि ये चारों के मास्टर बनाना जरूरी है। वरना जैसे अकाउंटिंग में अगर किसी क्रेडिटर के हम लोग बात करें, उसका मास्टर नहीं बना, उसका नाम नहीं बना रखा, उसका जीएसटी, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, मोबाइल या ईमेल आईडी, इसके पैन नंबर नहीं लिखे, तो हर बार जब उससे हम लोग बाय करेंगे तो उसके सारे रिकॉर्ड्स को लिखना जरूरी, तो वह सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मैं वाउचर टाइप्स की बात करता हूं। भाई और बहना, आप सभी से सवाल है वाउचर टाइप्स का मतलब क्या है। देखो बच्चों, टैली के अंदर अगर आपको कभी भी कुछ डेटा एंटर करना है, यू विल नॉट बी एबल टू एंटर एनी डेटा इन टैली सिस्टम अनलेस एंड अंटिल यू आर हैविंग व्हाट, वाउचर टाइप्स। ये वाउचर टाइप्स कभी वो डेबिट नोट का हो सकता है, कभी क्रेडिट नोट, कभी जर्नल, कभी आप देखो ना जर्नल होता है, यहाँ पे रिसीट का हो सकता है पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसको पेमेंट करना है तो आई यूज व्हाट पेमेंट, मुझे किससे पैसे मिले तो आई यूज रिसीट। मतलब हर बार जब भी मैं एंट्री करता हूं तो मुझे पहले सेलेक्ट करना होता है कि मैं कौन से टाइप का एंट्री कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं वाउचर टाइप। विदाउट यूजिंग वाउचर टाइप्स यू विल नॉट बी एबल टू एंटर डेटा इनटू द सिस्टम। वाउचर नंबर, अब देखो बच्चों वाउचर नंबर कैसे होते हैं सिक्वेंस में। जैसे पहले देखो हर किसी का वाउचर नंबर अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल जर्नल का 1 2 3 से लेकर आगे सीक्वेंस होगा, रिसीट का 1 2 3 अलग होगा, हाँ सेल्स का अलग होगा, परचेस का, हर एक का अपना। और वो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स का नंबर 3 हुआ, अब अगला सेल्स आया तो 4 नंबर का आएगा, उसके बाद में आएगा तो 5। इसलिए बोलते हैं कि सेल्स के हमेशा वाउचर नंबर सिक्वेंस में आते हैं, वो हमेशा यूनिक होते हैं। यानी कि सेल्स का नंबर 3 का बिल इशू हुआ है तो सेल्स का नंबर 3 का वापस से इशू नहीं हुआ, पर वो परचेस का 3 नंबर आ सकता है, क्योंकि परचेस की सीक्वेंस ही अलग है, इसकी सीक्वेंस अलग है, और वो यूनिक होना चाहिए, वो सीक्वेंस में आना चाहिए, वो प्रीफिक्स भी हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है। ये है हमारा वाउचर नंबर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आगे बढ़ना होगा, अकाउंटिंग फ्लो की बात करते हैं भाई और बहना। बात ही सिंपल आपके सामने, अकाउंटिंग का फ्लो पहले क्या होता है, कभी फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर परचेस किया तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन से क्या होगा, ट्रांजेक्शन से वाउचर को एंट्री जर्नल एंट्री करेंगे कि भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसका पोस्टिंग होगा, उसके अंदर क्या होगा, ये पोस्टिंग अंदर बैलेंसिंग होगा, बैलेंसिंग क्या डेबिट क्रेडिट सही हो जाएगा। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, सारे डेबिट आइटम है, सारे क्रेडिट है, उसका बैलेंस क्या बनेगा, उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। और ट्रायल बैलेंस के बच्चे दो जगह पे जाते हैं, कुछ बच्चे पेंडल अकाउंट में जाते हैं, जो रिसीट और पेमेंट के होते हैं वो एक्सपेंसिस के होते हैं, और रिसीट के होते हैं वो जाते हैं पेंडल अकाउंट में, और जो असेट लाइबिलिटी के है वो जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। ये हमारे अकाउंटिंग, और ये बताने की मैं जरूरत नहीं रखता, बिकॉज ये आप सभी ने बचपन से पढ़ा दोस्तों, 11 से लेकर अभी तक आपने क्या किया है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो इसको भी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, अरे हमारा बचपन बीता है इसके साथ। फिर से क्या बोलेंगे, हाँ ट्रांजैक्शन हुआ, वाउचर एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग होगी, फिर ट्रायल में ट्रायल में इसके दो बच्चे बनेंगे, पेन लगाओ एंड व्हाट, बैलेंस शीट। आगे बढ़ेंगे, ग्रुपिंग क्यों करते हैं भाई और बहनों। अगर मान लो मेरे पास में सन्ड्री डेटा डेटा है, मान लो 200 है, तो बैलेंस शीट पे 200 के नाम नहीं आएंगे। मैं सभी के जितने भी मेरे डेटर है उनके पापा का नाम सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर लिखूंगा। जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स है सबका नाम मुझे नहीं चाहिए बैलेंस शीट पे। अगर मान लो मेरे पास 4000 सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, 4000 लोगों का नाम लिखवा दूं मेरे बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट को 100 पन्नों को बना दूं, मेरे बैलेंस शीट पे सन्ड्री क्रेडिटर नाम आएगा। इसे जितने भी लोग एबीसीडी जितने भी लोग होंगे जो मेरे क्रेडिटर है उनके सामने मैं सन्ड्री क्रेडिटर लिख दूंगा, ताकि बैलेंस शीट मेरी समराइज हो। हाँ, अगर मुझे देखने की बहुत ही खुजली है कि क्रेडिटर कौन से, तो मैं क्लिक करूंगा उनको और डिटेल में देखूंगा, पर प्राइम अप इसी मेरे बुक के ऊपर सारे क्रेडिटर आना चाहिए। पर दोस्तों अगर आपने रॉन्ग ग्रुपिंग कर दिया, आपने कैश को अगर मान लो करंट लाइबिलिटी लिख दिया ना, विच इज करंट असेट, और आपने करंट लाइबिलिटी लिख दिया ना, तो आपकी कैश असेट में नहीं दिखेंगे, आपकी कैश किसमें दिखेंगे, लाइबिलिटी, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए आप सभी को मैं बोल देता हूं ग्रुपिंग को सही लिखना जरूरी है, नहीं तो आपकी, हाँ ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है टू अवॉइड ओवरराइटिंग सर।
कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे इससे? सही आवाज आ रही? सब सही चल रहा है ना? एवरीथिंग इज ऑल राइट? अरे रिप्लाई करो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. एवरीथिंग इज ऑल राइट? सबको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है बराबर? कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ऑल गुड, ऑल गुड. ओके फाइन. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, चेक इट आउट. आप सभी को मैंने कहा ईआरपी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ईआरपी इज व्हाट नथिंग बट एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड. आजकल की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ के सारे सॉफ्टवेयर लगा के वो लोग ईआरपी. आप ईआरपी में सबसे बड़ा कौन है? आप सभी जानते हैं एसएपी. एसएपी सॉफ्टवेयर मेरे जैसे लोग जिसका मैं एसएपी लेने की औकात नहीं, हम अपना खुद का ईआरपी बनाते हैं जिसको कस्टमाइज हमने अपने डेवलपर के हाथ से ही अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाया. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना किसी फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, सारे के सारे डिपार्टमेंट, चाहे मेरा वो सर्विस वाला, चाहे सीआरएम वाला, चाहे डिस्पैच वाला, चाहे सेल्स वाला, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है. हर किसी को, अब जैसे एग्जांपल किसी भी, आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं मेरे जो टेक्निकल लोग जब किसी को सर्विस देते हैं ना, उनको आप किसी ने पेन ड्राइव परचेस किया तो उसको टेक्निकल सर्विस देना पड़ती है, तो उससे टेक्निकल वालों को कॉल जाता है कि सर हमने परचेस किया, अब हमें टेक्निकल सर्विस दो. तो वो ये नहीं पूछता सेल्स वालों को, हे सेल्स वालों तुमने उसको सेल्स किया था, हे डिस्पैच वालों तुमने, ऐसा नहीं होता बच्चों. उस स्टूडेंट का डेटा कॉमन जगह पे, उसकी इन्फॉर्मेशन सेल्स को भी दिखती है, उसकी इन्फॉर्मेशन टेक्निकल को भी दिखती है, उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्पैच को, आपस में कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है. तो आप सभी समझ सकते हैं इसके फायदे क्या है. तो अब सवाल उठ रहा है कि ये जो कॉमन डेटा आया हुआ है, इस कॉमन डेटा में प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर कोई व्यक्ति, क्या हर किसी की इंफॉर्मेशन है? दोस्तों अगर वो उस ब्रांच का है तो उसको उसके ब्रांच का ही डेटा दिखेगा. मानता हो यार पे मैं कॉमन डेटा बेस है ना, बट डस नॉट मीन एवरी पर्सन विल गेट द एक्सेस ऑफ एवरी डेटा. नॉट पॉसिबल. ही विल बी एबल टू. सर भी कौन डिसाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट सिट्स विद द टेक्निकल पर्सन. ही डिसाइड कि इन बंदों को क्या क्या दिखना चाहिए. हर किसी को देखो, अब मान लो वो एक ब्रांच का बंदा है, ब्रांच ए का, अब तुम उसको ब्रांच बी का डेटा क्यों दिखा रहे हैं ना? व्हाट इज द यूज? अब सपोज वो एचआर का बंदा है, यू आर शोइंग हिम द डेटा ऑफ फाइनेंस, नॉट रिक्वायर्ड, बट फाइनेंस नीड्स द डेटा ऑफ एचआर. इट इज पॉसिबल. इफ आई एम द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई शुड बी एबल टू सी एवरीथिंग. सो डिपेंड्स सबका डेटा. ईआरपी का एक्सेस देखो, हम लोग भी आईसीएसआई बैंक को एक्सेस कर रहे हैं, आईसीएसआई का ईआरपी हमारे पास है, एचडीएफसी का ईआरपी हमारे पास है, पर हमको सिर्फ हमारे अकाउंट का ही डेटा दिखता है. उसको बोलते हैं रोल बेस्ड. आपका रोल देखेंगे और रोल के हिसाब से आपको एक्सेस करने देंगे, आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखाएंगे. पर दोस्तों इसमें टाइप्स ऑफ एक्सेस में लिखा है सीएवीपी. सी फॉर क्रिएट, ए फॉर ऑल्टा, वी फॉर व्यू, पी फॉर प्रिंट. कम ऑन, सी फॉर क्रिएट, A for alter, अरे V for view, P for print. ये क्या मतलब है? आप देखो जिन जिन चीजों का, अब कौन सी चीजों के लिए? अब देखो हमारे ERP में एक तो मास्टर है जो कभी चेंज नहीं होता, ये चीजें बार बार चेंज होती है, और रिपोर्ट है. इनके सबके चार बच्चे बनेंगे CAVP. अरे यहां पे मैं और आएंगे CAVP, इसके भी चार, समझ रहे हैं? यानी कि जब भी ईआरपी को इंस्टॉल करेंगे तो आपको तीन बच्चे बनाना पड़ेगा, मास्टर वाले, नॉन मास्टर ट्रांजैक्शन. उसके बाद में भी जैसे मान लो सॉफ्टवेयर पार्टनर को इस ईआरपी एक्सेस देना है तो उसके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, मास्टर, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट. फिर मास्टर में से उसको क्रिएट करने देना है क्या? टिक. ऑल्टर करने देना है क्या? टिक. प्रिंट नहीं देना है, नॉन टिक, क्रॉस कर दो. तो ये पहले डेटा क्रिएट करना पड़ता है. तो बता कौन सी तीन चीजें? ट्रांजैक्शन, मास्टर, रिपोर्ट. उसमें भी सीएवीपी, सीएवीपी, सीएवीपी. आगे बढ़ना होगा दोस्तों. भाई और भाई ना, आपके सामने अगला प्रश्न. ओ माय गॉड, आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा कि अब ईआरपी का क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऑडिट. अरे क्या ऑडिट की बात करेंगे दोस्तों. देखो मैंने अपने जीवन में सीसा नाम का सिलेबस किया, सीसा नाम का डिग्री मेरे पास में. व्हेन आई वाज अ सिस्टम ऑडिटर, आई हैव डन लॉट ऑफ सिस्टम ऑडिट. सर सिस्टम ऑडिट कौन से क्या? देखो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक फ्लिपकार्ट, आईसीएसआई बैंक, एचडीएफसी, दे आर यूजिंग अमेज़न, दे आर यूजिंग व्हाट ईआरपी सिस्टम. बट इट्स वेरी इंपॉसिबल. ईआरपी बंद तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ईआरपी इज ओनली सॉफ्टवेयर फॉर द एंटर ऑर्गेनाइजेशन. द ईआरपी इज नॉट वर्किंग, एंटर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्किंग. ईआरपी बंद, भारत बंद. इसलिए ईआरपी के ऊपर अगर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर ईआरपी बंद होगा तो सारे डिपार्टमेंट बंद हो. इसलिए ईआरपी का ऑडिट होना जरूरी है, टू चेक उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी रिलायबिलिटी, उसमें सारे कंप्लायंस है कि नहीं, सब लोग को उसके बारे में अवेयरनेस है कि नहीं, उसकी ट्रेनिंग सबको दी कि नहीं, वो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है कि नहीं, और गवर्नमेंट के लॉ को उसको फॉलो किया कि नहीं, वो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज किया कि नहीं, बार बार उसको अपडेट किया जाता है कि नहीं.
उसकी रिपोर्ट एक्यूरेट आती है कि नहीं, इन सारी चीजों को चेक करना जरूरी है। उसके लिए किसको ओपन करते हैं? सीसा डीसा वाले सिस्टम ऑडिटर को ओपन करते हैं उनसे चेक करने के लिए। एग्जामिनेशन पूछेंगे ऑडिट ऑफ ईआरपी में एग्जैक्टली चेक क्या करते हैं? अरे भाई वही चेक करेंगे ना, कॉन्फिडेंशियलिटी है कि नहीं, उसमें इंटीग्रिटी है कि नहीं, उसका डेटा हमेशा अवेलेबल है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वो एफिशिएंटली काम करता है कि नहीं, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं, यूजर के हिसाब से कस्टमाइज हुआ है कि नहीं, उसमें गवर्नमेंट के लॉस फुलफिल हुए कि नहीं, सबको उसकी ट्रेनिंग मिले कि नहीं, सबको उसके बारे में अवेयरनेस है कि नहीं, अरे ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख देंगे, हो गया ना, आगे बढ़ेंगे। क्या आया नया कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। दुनिया में दो टाइप के सॉफ्टवेयर है, एक टैक्स का सॉफ्टवेयर अलग, हाँ अकाउंट का सॉफ्टवेयर अलग, और दूसरा होगा टैक्स और अकाउंट का सॉफ्टवेयर। अस दोस्तों अच्छा कौन सा होगा? टैक्स और अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर एक साथ होगा ना। तो देखो, व्हेनेवर यू डू द टैक्स कैलकुलेशन, यू कैन नॉट डू द टैक्स कैलकुलेशन अनलेस यू आर हैविंग द डेटा ऑफ अकाउंटिंग। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन। दैट्स व्हाई इफ द सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंटिंग इज लिंक्ड विद टैक्सेशन, सो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली टेक द डेटा फ्रॉम व्हाट अकाउंटिंग एंड ऑटोमेटिकली देयर विल बी टैक्स कैलकुलेशन। बट इफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट, टैक्स इज डिफरेंट, एवरी टाइम अ टैक्सेशन सॉफ्टवेयर विल हैव टू यू नो गो टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उस केस में क्या करना पड़ेगा? टैक्स सॉफ्टवेयर में मुझे अकाउंटिंग से डेटा ले लेके ह्यूमन के ह्यूमन इंसान मतलब ह्यूमन एंट्री करना पड़ेगी। आई हैव टू पिक द डेटा फ्रॉम टैली, आई हैव टू एंटर इनटू आवर टैक्सेशन, यहां से लो वहां डालो, यहां से लो वहां डालो, यहां से, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। दूसरी बात, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट इनएक्यूरेसी, आई मे सी समथिंग एल्स, आई राइट समथिंग एल्स, आई मे गेट सम डिफरेंट आंसर फ्रॉम टैक्स। इसीलिए आज की दुनिया में क्या है बच्चों, वैसे क्या है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली बहुत फेमस है, टैक्स बेस नाम का सॉफ्टवेयर जो टैक्स के लिए फेमस है, तो दोनों अलग अलग इजीली अवेलेबल है। इसीलिए वो क्या है ना बच्चों, वो सस्ते भी है। पर आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर टैक्स का सॉफ्टवेयर मुझे जुगा करके एक साथ बना के दो, मुझे इंटीग्रेट करा के दो, वेरी वेरी कॉस्टली। मोर और बताओ किस में टाइम कंज्यूमिंग कम है? दोनों अगर साथ में होंगे। कहां पे एरर कम है? जब दोनों साथ में होंगे। कहां पे फीचर्स ज्यादा होंगे? कहां पे वैसा नहीं, फीचर्स अगर आपने बाजार में से अगर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अलग लिया और टैक्स अलग लिया तो ऑब्वियसली उनके इतना उन्होंने काम किया है तो उसके अंदर बहुत फीचर्स होंगे। समझ में आ रहा है? Tell me which one is more costly? If you're trying to make it together, because वो customize करना पड़ेगा, आपके हिसाब से आपको बना के लेना पड़ेगा। I hope it is done. ये page भी हमारा खत्म हुआ, and we're moving on the next page, guys. Come on, check it out. Okay. Okay, okay. Okay, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। इस जो मैं देखो, अगर आप फालतू की बातें करेंगे यहां पे तो हम क्या करेंगे, आपका ये जो चल रहा है ना, ये चैट बंद करवा देंगे। तो जो इस तरह की फालतू बात कर रहा है, आप उसको क्या करो, उसके बारे में रिपोर्ट करवा दो। मैं गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप अपने मां बाप की इज्जत करते हो तो ये फालतू के कमेंट्स मत करो, क्योंकि क्या है ना, फिर मेरा मुंह खुलेगा, सबका मुंह खुलेगा, अच्छा नहीं लगे। हम लोग यहाँ पे किस पर्पस के लिए आए? देखो ये लाइव चैट का ये प्रॉब्लम है सर, लाइक तो तुम सही अगर वो होंगे ना, तुम्हें दम है ना, तुम अपना नंबर लिखो वहाँ पर, मैं यहाँ से तुम्हें कॉल करता। फालतू का वहाँ पे चैट करके बाकी लोगों को, बाकी लड़कियों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। और ये जो गंदे गंदे तुम लिखते हो ना लड़कियों के बारे में, डोंट राइट यार, ओके? और तुम स्पॉयलर्स हो रहे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अरे बच्चे पढ़ रहे हो, उनके 20 दिन में एग्जामिनेशन है, तुम साला यहाँ पे गलत काम कर रहे हो, बैन कर दो साला ऐसे लोग हो यहाँ से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग किस विजन से, हमारी सोच क्या, ये बच्चे जो नेकी से पढ़ रहे हैं उनकी सोच क्या, तुम क्या कर रहे हो यार, क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करके? इंसान हो गया, मजाक हुआ आप लोग यार? आपके घर पे मां बाप नहीं है, मां बहन नहीं आपके यहाँ पे, ऐसा लड़कियों के सामने लिखते हो आप? आपकी बहन के सामने बोले ऐसा? कमाल करते हो आप यार। अरे लड़के हैं इस ग्रुप पे यार, तुम लोग क्या लिख रहे हो, तुम्हें समझना चाहिए। तुम आपस में दो लड़के लड़ रहे हैं यहां पे, बंद कर दो सारे लोग। अरे कौन पढ़ रहा है यहां पे, हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? चलो इग्नोर करो ऐसे लोग, चलो। और तुम जो करा ना बेटा, तुम मारता ही तुझे अभी, ऐसे गलत काम करेंगे तो सच में पुलिस लगा देंगे आपके पीछे। मुझे अंदर जाने मतलब साइबर लॉ के नियम के तहत आप गुनाह कर रहे हो। मैं आपका अगर वहां से आईपी एड्रेस निकाला, बस तेरे घर पे पुलिस लेके आ सकता हूं मैं 2 घंटे के अंदर, पर मुझे इतना अंदर जाना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं तुम कौन हो। ये फालतू की बातें बंद करो, हम अच्छे लोग हैं यार, अच्छे संस्कार है, ऐसे क्या कर रहे फालतू की बात है। ओके चलो, ओके गाइस वेलकम बैक। सो वी आर मूविंग ऑन द, ओह माय गॉड दोस्तों, ये ईआरपी के इतने सारे मॉड्यूल है। देखो इस चैप्टर में क्या ना, ईआरपी देखो कैसा ना, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ईआरपी ना, वो जमाना। अरे मैं खुद इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन लगी, मैं ईआरपी लगा चुका हूं,
ईआरपी लगा देना, सब क्या सबका डेटा देखते, तो फिर क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, सबको सब कुछ दिखता, मजा आती है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, ह्यूमन डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो क्या है ना, आज करोड़ों के सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, और सर आपको क्यों दिखाया जा रहा है, सी वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके जितने क्लाइंट्स होंगे ना, जिसका आप ऑडिट करने जाएंगे ना, उनके इसमें ईआरपी सिस्टम होगा। सर आप बोलेंगे टैली और ईआरपी में रखते हैं, टैली इज अ सॉफ्टवेयर ओनली अकाउंटिंग, इट इज नॉट ईआरपी, बट एसएपी इज द सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड्स नॉट ओनली अकाउंटिंग, इट प्रोवाइड्स द डेटा ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स लाइक सीआरएम, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, जो 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 सब एक ही जगह पे, एक ही सॉफ्टवेयर लगा तो उसको लगा दिया लाइक झिंगा लाला उस टाइप का। तो ये 11 मॉड्यूल्स है, ये सारे मॉड्यूल्स, अब अपनी औकात के ऊपर अपने को कितने मॉड्यूल चाहिए। आप बोले सर मेरे पास औकात नहीं, चार ले लो, तीन ले लो, दो ले, अब अभी सब एग्जांपल ये आइनॉक्स वाला है, आइनॉक्स वाला सॉफ्टवेयर लेने जा रहा है, अब आइनॉक्स में ऊपर प्रोडक्शन भी लो, अब आइनॉक्स वाला क्या प्रोडक्शन करेंगे, तो आइनॉक्स वाला ठीक है तो ये क्या करेंगे, हमें वो 11 में से प्रोडक्शन रखो, हमको बाकी 10 चाहिए। तो इट इज इट डिपेंड्स ऑन द बायर वॉट काइंड ऑफ मॉड्यूल ही वॉन्ट्स टू बाय, इट इज वॉट इट डिपेंड्स ऑन हिज बिजनेस रिक्वायरमेंट, ही विल बाय, ही विल चूज ओनली दोज मॉड्यूल्स व्हिच इज सूटेबल टू हिज बिजनेस रिक्वायरमेंट, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ओके चलो, ओके कम ऑन गाइस, अब बात करेंगे ये जो 11 मॉड्यूल्स है उसमें से मैं पूछूंगा मैं कौन से मॉड्यूल, ऐसा कौन सा मॉड्यूल इसमें लगता है। देखो अभी अलग मॉड्यूल का अलग काम है, आप फाइनेंस में आप देखोगे कि आपको कस्टमर रिलेशनशिप मिल जाए ऐसा नहीं होगा, आप प्रोडक्शन में बैलेंस शीट ढूंढोगे ऐसा नहीं होगा, हर एक मॉड्यूल का अपने एक फीचर है, उसकी खासियत उसमें वो ही मिलेगा। भाई तुम समझो मेरी बात को, हर एक चीज का एक इंपॉर्टेंस है। अब तुम बेडरूम में जाके सोच रहे कि यहां पे रोटी और खाना नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं होगा, बेडरूम में सोने की जगह है, वहां पे खाना नहीं दिखेगा, और टॉयलेट में आप सोएंगे नहीं कभी। हर एक चीज का एक एक घर में अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक रूम का अपना इंपॉर्टेंस है, वैसे ईआरपी के 11 मॉडल का अलग इंपॉर्टेंस है। आपको अब अपनी ख्वाहिश, अगर मुझे आपको कस्टमर से रिलेशन बहुत अच्छा करना है, कस्टमर को आई वॉन्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन द कस्टमर, आई वॉन्ट द कस्टमर शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली, कस्टमर शुड फील दैट कि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज विद देम, तो हम लोग सीआरएम मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। With the help of CRM, we can bridge the gap between the customer and the organization. So whenever you know, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई मॉड्यूल लेंगे जिसके से कस्टमर को हमेशा जानकारी मिलेगी, उसको कुछ भी चैट करते आएगी, वो कस्टमर जितने भी होंगे उनकी कंप्लेन अपनी रजिस्टर हमेशा कर पाएंगे, तो ऐसे मॉड्यूल का नाम हो जाएगा CRM। ये देखो यहाँ पे CRM लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक मॉड्यूल जिसका नाम है प्लांट एंड मेंटेन, अभी किसके लिए, सपोज आई एम रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, हैविंग मल्टीपल यू नो प्लांट्स, मल्टीपल मशीन्स। अब होता क्या है ना, सपोज रिलायंस की बात करो, कितने मशीन्स होंगे, उनको खुद को भी पता नहीं होगा। अब ऐसे समय पे कोई मशीन का टाइम पे मेंटेनेंस नहीं करना, इट विल बी लाइक यू नो, इट विल डिस्टर्ब द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक पार्ट खराब हो गया तो एंटायर ऑपरेशन विल स्टॉप। इसलिए दे शुड हैव अ प्रायर इंटीमेशन कि किसका किसका मेंटेनेंस कब आने वाला है। इसलिए प्लांट एंड मेंटेनेंस नाम का भले ही आपको उपयोगी नहीं है, छोटे लोगों को उपयोगी नहीं है, पर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, जो लिखता है, जो मेंटेन करता है कि किसका किसका इतना मेंटेनेंस है, किसका मेंटेनेंस का ड्यू डेट कब है, वो आपको पूरा सूचना देता है, ताकि आपके हर कोई सिस्टम के ऊपर, आपके हर कोई मशीन्स के ऊपर उसका कंट्रोल आए, तो जरूरी है उसका ड्यू डेट कब है, उसके लिए क्या 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 करना पड़ता है, पिछले टाइम पे क्या किया था, पिछले टाइम पे क्या खराब हुआ था। अरे आपने घर पे एक गाड़ी है, उसका मेंटेनेंस नहीं होता अपने से जल्दी से। अब लोग मान लो हजारों मशीन्स लेके आएंगे, या कोई ट्रांसपोर्ट वाला है जिसके में हजारों ट्रक्स है, उसको जरूरी है ना प्लांट एंड मेंटेनेंस, समझे। अब पर आवश्यक जो एसपीसी क्लासेस है, जब ईआरपी लेंगे तो बोलेगा प्लांट एंड मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, क्यों, बिकॉज मेरे पास ना कोई प्लांट है ना कोई मेंटेनेंस है, मैं तो बस मेरे पास कैमरा लेके बैठा हूं अपने घर में। आगे सप्लाई चेन मॉडल, ये जैसे फ्लिपकार्ट की जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अमेजोन के जैसे लोग, पार्ले जी, एचयूएल जैसे लोग, दे हैव टू सप्लाई, दे हैव टू प्रोवाइड गुड्स ऑन टाइम। सी डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी ऑन टाइम, इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट ऑन टाइम, इफ द कस्टमर्स आर नॉट गेटिंग गुड्स ऑन टाइम, दे विल बी अनसैटिस्फाइड। सपोज द फ्लिपकार्ट इज नॉट हैविंग एससीएम, and if this Flipkart is not able to deliver goods on time, then people may buy goods from what, somebody else. That's why to have a competitive edge in organization, aapka timely deliver agar karna hai to aapke isme SCM ka model hona zaruri hai. Aage badhenge production planning. Ab dekho bachcho production planning, there are lot, the example corona chal raha hai aur serum is organization ka naam suna aapne Pune ka, jo pure world ke liye kya banane wala hai, आप बताओ मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग की जरूरत है, और नहीं करेंगे तो अपन मर जाएंगे। आप बोलेंगे भैया पहले प्रोडक्शन प्लानिंग ले लो, आप जल्द से जल्द लेके हमको दे दो एक डोज। ए वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वही है, नाम तो सुना है होगा आपने, पूना वाला, साइरस पूना वाला, द ओनर ऑफ सीरम। उसको प्रोडक्शन प्लानिंग की जरूरत है भाई, उसको पता होना चाहिए कौन से वर्ल्ड से कितनी डिमांड है, और मेरे पास रॉ मटेरियल कितना है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा कितना, हम डिलीवरी कब करेंगे, उसके ही प्रोडक्शन प्लानिंग में होगा। तो वो उसकी गलती, आपकी बात तो उसकी गलती जो है ना, उसके लिए बारी नहीं पड़ेगी,
पूरे वर्ल्ड को लेके जाएगी। इसके एक एक दिन लोगों को काटना मुश्किल हो गया, लाखों लोग मर रहे हैं एक एक दिन में पूरे वर्ल्ड में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू कीप दिस थिंग माइंड, द प्रोडक्शन प्लान इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्रोडक्शन। पर प्रोडक्शन होने के बाद में भी कुछ फायदा नहीं है इफ इट इज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, इसलिए प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ में सप्लाई चेन का होना जरूरी है। ओके, आगे प्रोजेक्ट्स। देयर आर सी वन ऑफ माय फ्रेंड इज हैविंग लॉट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन द सिटी, ही इज हैविंग 26 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लास्ट टाइम आई टोल्ड इन द क्लास। Abhi is having 26 different projects in the in Pune, and suppose what is happening? Agar 26 jagah pe project unke chal rahe. Ab kya hai na, he is sitting in the center of the city. Ab samjho ek jagah baith raha, wo baith raha ki smaller colony mein baitha hai. Aur uski jo side se pure Pune ke idhar idhar Pune 60-70 kilometer itna bada hai. Aur uski side se idhar hai udhar udhar. Ab na he will not be able to manage so many locations together. To kya chahta hai ki agar sari jagah ka kitna cement hai, kitne bricks hai, uska kitna प्लिंथ हुआ है वहां पे, अगर उन सब की इंफॉर्मेशन अगर वो ईआरपी पे प्रोजेक्ट सिस्टम ऑल पे क्लिक करेगा तो प्रोजेक्ट उसको देगा किसका कितना कंप्लीशन, 10% हुआ है कि 30%, कितने फ्लैट्स बेचे गए, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इन सब की जानकारी अगर उसको यहां पे मिलने लगी देन ही विल बी एबल टू टेक स्मार्ट डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कम ऑन। ओके, आगे आगे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आगे, अब मैं आपके ये जो मॉडल्स, देखो हर एक मॉडल का अपना अपना खासियत है, आप एक एक पढ़ लेते अच्छे से। बहुत देखो, पूरा चैप्टर ईआरपी के ऊपर है। वो क्या, उन्होंने क्या चालू किया, आप ये तो पूछना चाहिए मैं क्या पढ़ रहा हूं। देखो क्या पढ़ रहा हूं, ईआरपी, तो ये तो पूछो क्यों पढ़ रहा हूं। अब मैं ईआरपी 11 मॉडल इसलिए पढ़ रहा हूं, चैप्टर में क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड सिस्टम का नाम लिखा, और इंटीग्रेटेड मतलब क्या, ईआरपी। तो आप जब बाजार में ईआरपी लेने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए भाई मैं एग्जैक्टली क्या मॉडल्स है भैया, क्या है, फिर आप सब लेना जरूरी है नहीं। अब अपने 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 को क्या रिक्वायरमेंट है, अब मैं स्वप्निल पढ़ने वाला, मेरे को प्रोडक्शन की जरूरत है क्या, तो मैं प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं लूंगा। पर बाबा रामदेव को लेना तो लेंगा, सीरम को चाहे लेंगा, क्योंकि उसके लिए जरूरत है। तो डिपेंड्स। अब बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट। अब क्या होता है ना, एग्जाम्पल लेंगे बाबा रामदेव इज मेकिंग लॉट, बाबा राम नंबर वन व्हाट मेकिंग देसी घी। अब देसी घी बाबा रामदेव को बनाना है तो बाबा राम को क्या लगेगा, घी बनाने के लिए मक्खन चाहिए। तो अब क्या होगा, बाबा रामदेव के प्रोडक्शन फैक्ट्री से एक कोटेशन आएगा परचेस डिपार्टमेंट के पास में, हे परचेस डिपार्टमेंट मक्खन को परचेस करो। तो वो क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा। क्या इवैल्यूएट करेगा, या आपको यकीन होगा अगर याद आ रहा होगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, पर मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो मैं आपको एक्चुअल में एसएपी खोलकर दिखाया था। और उस एसएपी में मैंने सारे मॉडल्स आपको दिखाए थे, उसमें से दो मॉडल का एक्चुअल में आपको लाइव डेमो दिया था। उसमें यह भी दिखाया था कि आप कैसा था ना बच्चों, पहले क्या था ना, मैं फोन लगा देते, अरे वो मक्खन खरीदो भाई, अरे मक्खन खरीदो, अरे भाई ऐसा नहीं होता यार, दिस इज नॉट द वे कॉर्पोरेट रन्स, कम ऑन, ऐसा नहीं मक्खन खरीद लेगा, ये काम करेगा, ये खरीद लो भेज दो। देयर इज अ कंप्लीट ऑटोमेशन, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। अभी क्या होता नहीं, क्या करता है, परचेस वाला बोलता है, परचेस वालों को मिलता है मक्खन वाला, बोलता है कि यार रॉ मटेरियल वाला बोलता है यार, मतलब प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, अभी लिख देगा कि मुझे इतना परचेस करना है मक्खन, वो ऑटोमेटिकली दिस इन्फॉर्मेशन सेंड टू किसको, परचेस। तो परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये ओके करके दिस इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड टू, वो इवैल्यूएट करेगा, एंड दिस विल बी सेंड टू ऑल द वेंडर्स, ऑल द एंडर्स विल इवैल्यूएट कि भाई वो क्या चाहिए, दे विल सेंड द प्रपोजल, दे विल सेंड द कोटेशंस। तो कोटेशन भी यहीं आएंगे, वो ईमेल पे नहीं आएंगे, वो ईआरपी पे आएंगे। देन ऑल द कोटेशंस विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, कि इससे पहले कैसे माल दिया था, क्या दिया, वो हर एक वेंडर का पूरा हिस्ट्री ईआरपी पे दिखेगा। फिर हम लोग एक वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, वापस ओके करके उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका डेटा वहां से वो माल आएगा, उसको बोलते हैं मटेरियल रिसीट, ऑर्डर देंगे, रिसीट देंगे, मटेरियल आ गया। अब आने के बाद में क्या होगा, स्टोर में, इसमें आ गया अपने वेयर हाउस में आ गया, अब उसको इशू करेंगे, अब बाबा रामदेव की फैक्ट्री चालू जहां पे घी बनता है वहां से मक्खन उठा उठा के उनको देंगे, उसको बोलते मटेरियल इशू, मटेरियल को इशू करेंगे। तो अब क्या होता ना, ये सारे मटेरियल मक्खन उठा के जाएंगे, ठीक है गाड़ियों से जाएंगे, पर क्या होता ना, वो जो प्रोडक्शन वाला बंदा है उसको भी अपने सॉफ्टवेयर पे दिखता है कि हमारा मटेरियल आ चुका है। उसके बाद में क्या होता ना, इनवॉइस रेज करता है, कौन इनवॉइस रेज करेगा, हमारे सॉफ्टवेयर पे आएगा वो सप्लायर जो है उसका इनवॉइस रेज करेगा कि भाई इसके पैसे दे दो, हम लोग यहां से पैसे दे देंगे, उसको बोलते पेमेंट टू एंडर्स। तो पेमेंट करते समय अगेन आई क्लिक हियर एंड दिस सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड टू बैंक्स आल्सो एंड आई एम एबल टू मेक द पेमेंट। कहने का मतलब क्या है कि पहले जमाने में क्या था ना, ये सारे काम फोन पे, ईमेल पे, इस पे अलग अलग, अब क्या ना, इट इज बिकम सेंट्रलाइज, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू हियर, अलग अलग नको, मतलब जब मैं ऑर्डर कर रहा हूं ना, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ परचेस डिपार्टमेंट को नहीं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी मालूम चल गया कि मैंने उसको परचेस किया हुआ है। वो बार बार मुझे बजाया करे, अरे भैया परचेस करा क्या मक्खन, अरे क्यों घड़ी घड़ी बजा रहा है, तुझे दिख रहा है यहां से, बार बार बोलता है तू मुझे, ऐसा नहीं होगा भाई, अंडरस्टैंड, ये ईआरपी का जलवा है, कम ऑन गाइस, कम ऑन। आगे बात करेंगे,
एचआर की बात, आप सभी जानते हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू नो इंफोसिस एंड यू नो टीसीएस हैविंग लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज, कम ऑन. तो ऐसे समय पे एम्प्लॉय को मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं. एम्प्लॉइज आर योर एसेट. सी एम्प्लॉइज आर सिटिंग आइडल, इट इज वेरी कॉस्टली. यू शुड, अगर तुम उनको सैलरी दे रहे, यू शुड नो हाउ टू यू नो यूटिलाइज योर मैन पावर. इसलिए कौन से एम्प्लॉय कितने बजे आया, कितने बजे गया, उसकी सैलरी, उसके लीव, उसका उसका ट्रेनिंग, उसका सब कुछ, एवरीथिंग शैल बी डन थ्रू एचआर. पहले जमाने में तो देख रहे भाई कितनी छुट्टी मारा है, देख रहे भाई कितना फाइन लगाना है, देख रहे ट्रेनिंग हुई क्या, फिर वो हाथों से उसका सैलरी निकालेंगे. अरे कम ऑन गाइस, दुनिया कहां जा रही, तुम क्या कर रहे. यूज एचआर मॉड्यूल थ्रू विच यू आर एबल टू कंट्रोल ऑल द एम्प्लॉइज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन. आप सभी जानते हैं सेल्स वाला मॉड्यूल, ए वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. हर ये तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है. लेट इट बी सर्विस और सेल, तो सेल सबको करनी है. सेल में क्या करते हैं लोग, पहले तो प्री सेलेक्ट, मतलब क्या करते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों को जो लोग टारगेट बायर्स, मतलब हम लोग कॉल करते हैं भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात करेंगे, उनको अपना प्रपोजल देंगे, उनको कोटेशन देंगे. पॉइंट नंबर टू, फिर वो हमारे कोटेशन को देख के हमारे सेल्स ऑर्डर करते. जैसे एग्जाम्पल ऑडी के शोरूम में हम गए, तो ऑडी के शोरूम में हमें पटाएगा, बात करेगा, तो हमने पॉइंट नंबर उसको पटाया, उसको कोटेशन दिया. दो नंबर में उसने ऑडी का ऑर्डर दिया. तीन नंबर में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ऑडी है क्या नहीं, और नहीं तो क्या करेंगे, चार में है तो दे देंगे उसको मेटल डीलर दे देंगे, और पांच में क्या करेंगे उसका बिलिंग देंगे, और छह में क्या करेंगे पैसे लेंगे. सिंपल नो, सी प्री सेल किया, फिर क्या होगा, उसका ऑर्डर आएंगे, दे दो ऑडी, फिर देखेंगे स्टॉक में है क्या नहीं, नहीं तो फिर मंगवा लेंगे, और चौथी बात देंगे, पांचवी बात पैसे आएंगे बाद में, पांचवी बात बिलिंग करेंगे, और सिक्स में पैसे आ जाएंगे. ठीक है, ये कैसा है ना, इनके स्टेप्स भी आप याद रखो. ठीक है ना, अंदर अंदर कंट्रोलिंग. अब फाइनेंस, फाइनेंस तो बहुत इजी है साहब. अरे यार हम लोग फाइनेंस सीए होगा अगर हमको ये पता नहीं, अरे भाई अगर कल्चर के अगर सीए बन जाओगे, यू आर बिकमिंग सीएफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड नो ना भाई कि बैलेंस शीट है क्या, पेंडल क्या है, कॉस्ट शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस कौन से है, रॉ मटेरियल का खर्चा कितना लगा, ये सारी चीज अगर आपको जानना है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, आपको बैंक की एफडी चेक करना है, आपको लोन्स चेक करना है, कहां पर मिलेगा डेटा, सीआरएम में मिलेगा, आपको एचआर में मिलेगा, एचआर में इंसानों के ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मिलेगा क्या, बैलेंस शीट मिलेंगे, आपको इतनी अक्कर होना चाहिए कौन से मॉडल में क्या मिलेगा. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप सीएओ बनोगे ना, आप सीआरएम में बोलेंगे बैलेंस शीट नहीं दिख रही, तो लोग बोलेंगे हौला हो गए. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज कहां मिलती है. तो फाइनेंस में सब मिलेगा, ये देखो जनरल लेजर मिलेगा, टैक्स का मिलेगा, असेट अकाउंट पेबल रिसीवेबल ये सब मिलेगा वहां पे. तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो मैक्सिमम सब कुछ खत्म. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ कौन सा ऐसा मॉडल है जो आपको एम्प्लॉइज के बारे में डेटा देगा. अच्छा, कौन सा ऐसा आपको कस्टमर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, सीआरएम. कौन सा ऐसा मॉडल होगा, यू विल बी एबल टू सप्लाई ऑन टाइम, एससीएम. आपको जवाब देना भाई और बहनों, सपोज आई एम हैविंग मल्टीपल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हियर, तो आई नीड अ प्रोजेक्ट, आई एम हैविंग मल्टीपल प्लांट्स एंड मशीन, प्लांट्स एंड मशीन, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल डिटेल्स, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मॉड्यूल मुझे लेना पड़ेगा. और अगर मैं जानता हूं, अगर मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से मैं क्या कर पाऊं, सीरम की बात करेंगे, सीरम को टाइम पे काम करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसको प्रोडक्शन लानी जरूरत है. पता इन छह में से मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपको जवाब देना है कि अगर मुझे सेल्स करना है तो सेल्स मॉडल में जाना पड़ेगा. सेल्स मॉडल के छह पॉइंट बताओ. अब वैसे तो ये सेल्स डिपार्टमेंट में छह बातें होती है ना, आप बोलेंगे सर सॉफ्टवेयर का रोल क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट में अक्सर छह काम होते हैं. इन छह काम करने के लिए जहां जहां पे भी जो जो इन्फॉर्मेशन लगती है ना, वो ये मॉडल प्रोवाइड करता. अब ये बोलेंगे ये मॉडल जा सेल कर दे, वो नहीं कुछ करेगा, वो आपको सेल करने के लिए पुख्ता जानकारी अवेलेबल करेगा. अब ऐसे हौले से मत बोलो वो कर देगा क्या सेल, अब वो कैसे करेंगे, वो आदमी है क्या, हम सेल करेंगे ना, फिर वो क्या करता है, वो सेल करने के वो बताएगा बाजार में इतने टारगेट कस्टमर है, उसका पहले उसने पूछा था, फिर उसको फॉलोअप लो, बार बार मैसेज भेजेगा फॉलोअप लो उसका फॉलोअप लो, तो वो आपको हेल्प करता है. इट इज एन असिस्टिंग टूल, डू नॉट मेक एन अजम्पशन कि वो ही सेल कर देगा, फिर हम लोग क्या करेंगे यहां, सब वही कर ले, फिर इंसान घर पर बैठ जाएंगे क्या. अंडरस्टैंड करो, अब उसको पता होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए उसका रोल क्या है. दीज आर हेल्पिंग टूल्स, ऐसे हौले ऐसा कुछ भी बात मत करो. अब एक चलो बात करेंगे ऐसा, चलो इसकी बात करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के छह पॉइंट होता है. चलो क्या होगा, वो प्रोडक्शन वाला बोल रहे हैं अभी तो क्या ना, हाँ प्रोडक्शन वाले के पास जाएगा, वो इवेल्युएट करेगा, उसको लगता है सही है तो ऑर्डर करेगा, बहुत सारे कोटेशन देंगे, कंपेयर करेगा, एक ऑर्डर कर देगा, उसके बाद में माल मिलेगा, फिर इश्यू करेगा, फिर उसका इन्वॉइस आएगा, हम पेमेंट करेंगे. सेल्स की बात करो, सेल्स में छह बात करते हैं, प्री सेल्स एक्टिविटी, सेल्स सेल्स ऑर्डर है, सिंपल है, कुछ नहीं सेल्स ऑर्डर है, फिर आप देखेंगे इन्वेंटरी में आएंगे, नहीं तो है तो मटेरियल इशू कर देंगे, और फिर उसका बिल बनाएंगे, ले भाई पैसा दे,
पैसे मिलेंगे उससे, ये बहुत इजी है। अगर कंट्रोलिंग मॉडल, ये मॉडल है सिर्फ कॉस्टिंग। अगर आपने कॉस्ट पढ़ते होंगे, आप सभी जानते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पढ़ते हैं आप स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसमें लिखा है भाई इतना तक कॉस्ट। देखो आपका एक्चुअल कॉस्ट शुड नॉट वेरी फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आपको पता होना चाहिए मेरे को कौन सी चीज के लिए कितनी कॉस्ट लग रही। कॉस्टिंग कमॉन, तो ये कॉस्ट एलिमेंट समझता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एलिमेंट से आपको समझता है कहां कहां पे कितनी कॉस्ट लग रही। कॉस्ट सेंटर से, और आपको एक है, देखो एक है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, एक एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, उसके बाद में इंटरनल ऑर्डर्स, प्रोडक्ट कॉस्ट, कंट्रोलिंग, प्रॉफिट। आपको एक समझाता हूं, पहली बात तो समझो प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग सबसे आखिरी वाला। अगर मान लो मैं एक्चुअल का ओनर हूं, तो मेरे पास में तीन अलग सेंटर्स है, एक पर्सनल केयर है, एक हेल्थ वाला है, एक फूड एंड बेवरेज, ऐसा अलग चाहिए। मान लो कि सपोज मैं आईटीसी वाला हूं, या फिर आईटीसी में क्या है, मेरे पास होटल इंडस्ट्री है, मेरे पास एफएमसीजी है, मेरे पास आईटी इंडस्ट्री, और मुझे देखना है किसमें कितना खर्चा लग रहा है, तो मुझे प्रॉफिट सेंटर में जाना पड़े। फिर मैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर रहा हूं, ये क्या है, मेरे वर्ल्ड में पूरे 220 कंट्री में मेरा 205 कंट्री मेरा सेल होता है, अब मुझे देखना है कौन से कंट्री में मेरी कॉस्ट कितनी है, तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आना पड़ेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, मैं एचयूएल का ओनर हूं, तो मुझे देखना है लक्स में कितना कॉस्ट लगता है, लाइफबॉय में कितनी कॉस्ट लगती है, क्लोजअप में कितनी कॉस्ट लगती है, ये देखना है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में जाना पड़ेगा। मुझे देखना है इंटरनल ऑर्डर देखना है, अंदर की कुछ जानकारी देखना है, कहां से किधर, अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कुछ हो रहा है तो उसमें अगर मुझे कॉस्टिंग जाना तो वहां पर आना पड़ेगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको बोलते हैं प्रोसेस्ड ओरिएंटेड कॉस्टिंग। अगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस वन है, प्रोसेस टू, प्रोसेस वन का आउटपुट आता है, प्रोसेस टू में जाता है, टू का आउटपुट आता है, थ्री, आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी होंगी, तो आपको जानना पड़ेगा भाई कौन से प्रोसेस की वजह से ज्यादा कॉस्टिंग लगती है, किसकी कम लगती है, वो उसके लिए आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या एक्चुअल में क्या है ना, अगर ये डेटा ना होना बेटा, इसे बहुत अच्छा लगता है बोलने को, आपने कॉस्ट क्यों नहीं कंट्रोल करी, अरे भैया कॉस्ट मालूम होती तो कंट्रोल करता ना मैं, अगर मुझे कॉस्ट ही नहीं मालूम, अगर ईआरपी नहीं है और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि किसकी वजह से कितनी कॉस्ट लग रही, मैं कंट्रोल करूं कैसे। तो इसलिए कॉस्ट मालूम करने के लिए ईआरपी का ये मॉड्यूल, जिसका नाम क्या है, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, नाम लिखा कंट्रोल, किसको कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने वाला मॉड्यूल। दोस्तों बारिश होने का अंदाजा पूरा लग रहा है मुझे यहां पे, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ओ गाइस, सर कितना बचा है चैप्टर, बस थोड़ा सा ही बचा है इस चैप्टर में, बस थोड़ी ही चीजें बची है, लास्ट टू पेजेस, कम ऑन। एमआईएस की बात करेंगे, चलो जो चल रहा है वो करो पहले, कौन सा चैप्टर कब होगा, सारे चैप्टर होंगे भाई आज, आपको ध्यान लगाना, मैंने आपको देखो धीरे धीरे बच्चे कम होते हैं यहां से और जो बच्चे 800 भी देख रहे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो जिनके अंदर बहुत पेशेंस है, ये ऐसे बच्चे इस समय देख रहे हैं, पहले देखा हमने 1100 थे अब 800 के, पेशेंस चाहिए भाई। जीवन में कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, एक चैप्टर समझ लिया क्या उखाड़ लेंगे, एक चैप्टर समझ के, एक चैप्टर से कितना था 10 मार्क, पूरा पेपर कितने मार्क का 100 मार्क। Having command only on one chapter is not enough. आपको हर चैप्टर में अगर चाहिए तो आपका हर चैप्टर, आपको देखो मैं जानता हूं EIS को एक साथ में पढ़ना is difficult, पर आपको ये समझना है ऑप्शन नहीं है, आपको कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। आज लिंक लगी पूरा पढ़ लो, खत्म करो इसको, बहुत काम बाकी है। और मैं आपको बताता हूँ एक चैप्टर का अगर अकेले करोगे ना तो वन चैप्टर विल टेक 5 to 6 hours, यहाँ पे entire syllabus is getting only 5 to 6 hours, mark my words this is going to be very beneficial. इसको जितने बार देखेंगे आप उतना आपको फायदा हो, क्योंकि मुझे सब याद है, मुझे सिर्फ बोलना है, आपको सुनना है, साथ में बोलना है, उससे फास्ट हो जाता है। आप अगर उसको पढ़ने जाओगे ना फिर वो चिट्ठी खोल के पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, फिर एक एक लाइन पढ़ेंगे, इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आपसे, इसको देखें, अक्सर बच्चे सेकेंड ग्रुप में जो फेल होते हैं ना वो EIS SM की वजह से फेल होते हैं। आपने कुछ अच्छे काम किए जीवन में क्योंकि आपके अटेम्प्ट से यहाँ पे MCQ की शुरुआत की है एक साल पहले, जिसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 60+ मार्क्स इन ESM, सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ESM। आपको लगे हम लोग प्रैक्टिकल में खींच लेंगे, वो प्रैक्टिकल में बजाने के पूरे मूड में रहेंगे, अंडरस्टैंड करिएगा। ESM को चाहकर भी वो बहुत डिफिकल्ट नहीं बना सकते, नथिंग विल कम बियॉन्ड द बुक, वो जो भी होगा किताबों के चौकट के अंदर आएगा, वो FMEco में, वो अकाउंट्स में कुछ भी रैंडम लेके आपकी बजा सकते हैं, बिकॉज वहां पे दे हैव गॉट यूज स्कोप, कुछ भी भलता नया प्रॉब्लम बना देंगे, इधर से उधर से आपको दे देंगे, ला भाई बताओ कैसे करेंगे। ESM में उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो इस बुक के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, इसको ध्यान दो, इसके दायरे से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ध्यान दीजिए बस, ये करे बस खत्म हो गया। ओके आ जाओ अब यहां से पूछो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड्स वाइज रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट
टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस कॉल्ड व्हाट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. दोस्तों मेरा सॉफ्टवेयर मुझे स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट देता है, एरिया वाइज, कौन से एरिया से, स्टेट वाइज मुझे प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट मिलता है, मुझे ईयर वाइज रिपोर्ट मिलता है, मंथ वाइज रिपोर्ट मिलता है, मुझे सब वाइज वाइज रिपोर्ट, मुझे जीएसटी वाइज, इनकम टैक्स वाइज, सारे वाइज वाइज रिपोर्ट मिलते हैं. सो दैट आई कैन एनालाइज माय बिजनेस. मुझे फ्रेंचाइजी वाइज रिपोर्ट मिलता है, मुझे फाउंडेशन वाइज, इंटर वाइज, फाइनल वाइज, ईएस वाइज, एफएम वाइज, जो सब्जेक्ट में पढ़ा था उसका वाइज रिपोर्ट, ताकि मुझे समझे किससे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया. जीएसटी मंथ वाइज मिलता है, प्रॉफिट मंथ वाइज मिलता है, सारी चीजें मुझे मिलती है, बिकॉज ऑफ विच आई एम एबल टू कम ऑन एनालाइज माई बिजनेस. इसलिए एमआईएस का होना जरूरी है एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सी यू गेट, यू शुड गेट राइट रिपोर्ट्स ऑन राइट टाइम. सी मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू टेक एनी राइट डिसीजन अनलेस इज हैविंग व्हाट प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआईएस. इसलिए एमआईएस का होना जरूरी है. तो बताएंगे दोस्तों एमआईएस के अंदर कौन सी चार बातें, कौन से चार टाइप की रिपोर्ट, चार टाइप की इंफॉर्मेशन एमआईएस में जरूरी है. स्टार, एस फॉर स्ट्रक्चर, टी फॉर टाइमलीनेस, ए फॉर एक्यूरेसी, आर फॉर रिलेवेंट, एस फॉर स्ट्रक्चर, टी फॉर टाइमलीनेस, और ए फॉर एक्यूरेसी, आर फॉर, हाँ ओके. दोस्तों आप सभी को कहना चाहता हूं, जब भी एमआईएस बनाएगा ना, वो एमआईएस कुछ काम करने होगा अगर उसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. अगर मैं स्टील के बिजनेस वाला हूं और मेरा एमआईएस मुझे स्टील की इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो एमआईएस कोई काम का नहीं. टी फॉर टाइमलीनेस. What is the use of having MIS if it is not providing me timely information? Moreover, it should provide me daily, monthly, annually, 6 months, जो भी जैसे quarterly मुझे information से मिलना चाहिए. A for अगर उसका data ही accurate नहीं होगा, मेरा sale हुआ 50 crore, मुझे दिखा 10 crore, तो I may take wrong decision. इसलिए information should be accurate. R for structure. S for structure बचाएगा. हाँ, structure मतलब it should provide easy to understand information. स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है समझते? इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, यूजर फ्रेंडली. एमआईएस ऐसा हो जिसकी इंफॉर्मेशन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. अच्छा, एक प्रायर इंटीमेशन दे रहा हूं मैं, बहुत तेज बारिश हो रही है अचानक से, और यहां की पॉसिबिलिटी, यहां पे लाइट और इंटरनेट बंद हो सकता है. अगर ऐसा कभी हुआ तो हमें क्या करना होगा, ये लेक्चर को अचानक से कुछ देर के लिए बंद करना पड़ सकता है. तो मेरे लेक्चर अगर बंद हुआ तो मेरी सूचना जानने के लिए आपको टेलीग्राम पे ही मैं कम्युनिकेट करूंगा. सो स्वप्निल पाटनी क्लासेस का, अगर बंद नहीं होगा, इनकेस बोल रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं आपको, अगर हुआ तो आप फिर पूछेंगे सर अब होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे चैट नहीं करेंगे यूट्यूब पे, मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा लेक्चर में कितने मिनट के लिए बंद हो रहा है, या आज होगा या नहीं होगा. लेक्चर पहली बार तो बंद नहीं हुआ, अचानक से कुछ हो गया, बहुत तेज बारिश हो रही बाहर, दिस अ पॉसिबिलिटी. ओके, पहले मैंने बता दिया. ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों. आप सभी के साथ में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. ओहो, इंटीग्रेशन का बता बच्चों, क्या आपको लगता है एक मॉड्यूल के समय, जो 11 मॉड्यूल देख रहे हैं, क्या इनका आपस में कुछ संबंध होना जरूरी है? अरे दोस्तों, इनके 11 मॉड्यूल देखो, एक ट्राई टू अंडरस्टैंड, 11 मॉड्यूल में मतलब एक घर में अलग 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 रूम्स है, एक घर में अलग अलग रूम्स है, वैसे एक सॉफ्टवेयर में 11 मॉड्यूल्स है. बट दोस्तों डोंट यू
चालू कर प्रसाद. ओके गाइस लेट्स स्टार्ट. सॉरी मुझे आप इतना बता दो, मैंने कब से आपको सुनाई नहीं दी. अभी आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. अब अभी आ रहे हैं, आ गया, आ गया. अच्छा इतना बता दो मुझे कि कहां से बंद हुआ था. एक मिनट पहले से. ओके अभी आवाज आ रही है, सब बैकग्राउंड वाले आवाज बंद कर दो. ओके ठीक है. आपका कहना है एमआईएस के बाद में. एमआईएस आपने सुना ना. ओके डन, आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है डन. आई एम स्टार्टिंग अगेन, आई एम सो सॉरी. साउंड कट सिंस. अच्छा टाइप्स ऑफ एमआईएस ना. एमआईएस तो हो गया ना पूरा. ओके एमआईएस के बाद दोस्तों आप ही मुझे बता दो, ये जितने भी 11 मॉड्यूल्स आपको दिए हैं उन सबका 11 मॉड्यूल का क्या फायदा अगर वो सारे मॉड्यूल एक दूसरे से लिंक्ड है. दे शुड बी लिंक्ड. इफ दे आर नॉट लिंक्ड व्हाट्स द यूज ऑफ मेकिंग ऑल द मॉड्यूल्स. आज हम लोग ईआरपी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड. इट मींस ऑल द मॉड्यूल्स शुड बी लिंक्ड. बट एट द सेम टाइम हैव टू अंडरस्टैंड उन चीजों को लिंक ना करें, उन लोगों को एक दूसरे के साथ ना जोड़े जिनका आपस में कोई कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस की बात करेंगे एंड फाइनेंस नीड द रेट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, तो फाइनेंस का मॉड्यूल सारे अदर डिपार्टमेंट से लिंक होना चाहिए. सी फाइनेंस डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी प्लान इफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग. अरे उसको आप बोर्ड जाके लोन लेके आ तो फाइनेंस वाला लोन कैसे लगा भाई साहब, जब उसको यही पता नहीं मार्केटिंग को कितना डेटा, कितना पैसा चाहिए, एचआर को कितना पैसा चाहिए और प्रोडक्शन को. उसको सबका नॉलेज होना जरूरी है, इसे लिंकिंग होना जरूरी है. अगर मैं यहां से बात करूंगा आपके लिए मटेरियल मैनेजमेंट की और फाइनेंस की, डू यू थिंक देयर इज सम कनेक्शन. सी फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर यही पता नहीं कितना रॉ मटेरियल परचेस करना और कितने का परचेस करना है, क्या फाइनेंशियल प्लान कर पाएगा? नहीं. क्या आपको लगता नहीं कि मटेरियल को जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसका इनफ पैसा फाइनेंस वाले के पास में उपलब्ध होना चाहिए? हाँ. तो क्या फाइनेंस वाले को पहले पूछेगा क्या भाई? ऐसा नहीं होगा. फाइनेंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग सॉरी मटेरियल में क्या चल रहा है एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट विल मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली. दूसरा एग्जांपल लो ना, कम ऑन. अब मुझे तो एचआर और फाइनेंस से क्यों संबंध होना चाहिए भाई? सैलरी का पैसा कौन देता है? फाइनेंस. अगर फाइनेंस को अगर एचआर का डेटा दिख गया भाई, अपने 2 लाख एम्प्लॉयर उनकी सैलरी 3 करोड़ रुपए हो रही है, तो पहले से 3 करोड़ का प्लानिंग करके गया. और अगर तुम ऑल ऑफ सडन बोले भाई इतना पैसा ला तो कहां से लाएंगे भाई? तो इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट शुड हैव द इनफ नॉलेज अबाउट एचआर ऑल्सो, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू मेक प्लान्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस सर. ओके अब कुछ सब सही चल रहा है. ओके आगे बात करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ ईआरपी मॉड्यूल्स. भाई और भाई आप सभी को पता होना चाहिए, चाहे वो ईआरपी के फीचर्स पूछे या ईआरपी के मॉड्यूल्स पूछे, आंसर एक ही होगा, फाइनेंस मार्केटिंग एचआर प्रोडक्शन इन्वेंटरी एससीएम सीआरएम. अरे जो अपने 11 मॉड्यूल देखे ना अन्ना, वही मॉड्यूल का नाम है. इन्होंने जानबूझ के 5-6 लिखे, बट वी नो 11 मॉड्यूल्स, तो इसको अलग से करने की जरूरत है नहीं. आगे बढ़ेंगे. What is business process? यहां पे लिखा है business process modules, 11 मॉड्यूल देख लिए. अभी इसमें एक ही चीज आपको करने ऐसी है जिसका नाम है typical life cycle of an accounting transaction में include. यहां पे ऐसा लिखा है typical life cycle of an accounting transaction में include, ऐसा यहां लिखा है. और इसके पहले यहां पे कुछ अलग लिखा था. अब एग्जामिनेशन में मैं पूरी तरह से जानता हूं, मुझे विश्वास है कि अकाउंटिंग फ्लो जो पेज नंबर 2.40 में दिया हुआ है और ये जो अकाउंटिंग पूछा है, दोनों में कंफ्यूज होगा और वो पूछेगा एक और लिखोगे एक. ऐसा होगा. आप नहीं होने के लिए क्या करें, जान ले ये सिर्फ लिखा है कि अकाउंटिंग के साइकिल क्या है. और ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं था, ये क्वेश्चन लिखा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर एंगल, यानी कि फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर. ये बताओ कि कौन से काम इंसान करते हैं, कौन से काम सॉफ्टवेयर करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2.40 यूज होता है ये वाला. पर अगर वो सिंपल पूछा भाई अकाउंटिंग कहीं भी करे, चाहे सॉफ्टवेयर में करो नॉर्मल करो, पर क्या फ्लो होता है, तो ये फ्लो होता है. क्या करते भाई, पहले एक वाउचर लाएंगे, जर्नल, तो आपको वो एडजस्टमेंट करना. अकाउंटिंग के स्टूडेंट समझ रहे होंगे,
31 मार्च पे हम लोग क्या करते हैं, साल भर में जो जो assumption हमारे गलत साबित हो जाते हैं उसमें जाके एडजस्टमेंट करते हैं, फिर आपको क्या मिलती है, रिवाइज ट्रायल बैलेंस मिलता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर क्या मिलता है उसके, उसको क्लोज करते हैं और हमें क्या मिलता है, पी एंड एल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ गए होंगे आप। ओके, एग्जामिनेशन वापस से कह रहे हैं आपको, हाँ टिपिकल लाइफ साइकिल बोला, टिपिकल लाइफ साइकिल बोला, आंसर सोर्स जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, हाँ एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स इट। पर अगर उसने वो पूछा सॉफ्टवेयर के एंगल से कौन से काम सॉफ्टवेयर करते हो कौन से, तो वो आपने वो लिखना है पहले वाला जो 2.40 पेज पे, ये बात आपको याद रखना, साउदर्न इंडिया एंड इंडिया इज फाइटिंग बैक, एंड द लास्ट पेज ऑन दिस चैप्टर गाइस XBRL। बहुत ही कम समय में आपने चैप्टर फिनिश किया दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, लास्ट पेज, XBRL एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज क्या होता है ये दोस्तों, व्हेन दिस लैंग्वेज वॉज नॉट देयर, every organization used to submit report to ROC, SEBI in their own format of accounting. The softwares are different. They used to submit records in their own format, own software, and that is why it was difficult for all the regulations, all the regulatory bodies like SEBI, RBI, ROC, government to compare all of them. Even the investor was not able to compare two different companies. अरे सपोज मैं बायर हुआ हूं, आई वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड आई वांट टू कंपेयर आईटीसी सॉरी टीसीएस इंफोसिस एंड विप्रो, आई विल नॉट बी एबल टू कंपेयर देम बिकॉज सबके सब अपने अपने अकाउंटिंग को अच्छा प्रदर्शित करेंगे, बिकॉज सब अपने अपने अकाउंटिंग का अलग ही तरीका, अलग ही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सबका फॉर्मेट अलग होगा, कोई संडे डेटर लिखेगा, कोई एचडी लिखेगा, कोई डेटर लिखेगा, अरे भाई कंपेरिजन कैसे करें, डेटर तो डेटर ही होता है, पर कोई संडे डेटर लिखता है, कोई डेटर लिखता है, कोई डीआर लिखता है, हाउ कैन आई कंपेयर, हाउ आम आदमी कैन कंपेयर दिस, बोल दिया आज के बाद में ये बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड इट विल बी फॉलोड, नॉट ओनली फॉर इंडिया, आज के बाद में सबको अपने अकाउंटिंग चाहे तुमने टैली करी होंगी, पर जब गवर्नमेंट को सबमिट होगी, आरओसी को सेक्शन नंबर 137 में सबमिट होगी, या सेबी को सबमिट होगी, इट हैज टू बी एज पर XBRL। हाँ, तो अपनी टैली को आपको XBRL के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, समझा, एंड देन all the data of XBRL oriented which will be uploaded to ROC, and what suppose koi china ka banda or any american wants to invest in india, aap usko apne india ka tally bhejo, he will not be able to understand anything, agar aapne usko XBRL ka file diya hoga, now he can convert this XBRL data into his own language, agar chinese hai to chinese ke bhasha mein usko convert kar lega, now he will be able to understand it properly। इसीलिए दोस्तों आप सभी डिजिटल इंडिया के मेक इन इंडिया की बात करें, अगर बाहर फिरंगी होकर आप चाहते हैं इंडिया में लाए, तो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इंडियन अकाउंटिंग, इस तुमको XBRL देना पड़ेगा, सो दैट दे कैन मोल्ड दिस लैंग्वेज, हाँ इट इज अ मोल्डेबल, इट इज चेंजेबल लैंग्वेज, यू कैन मोल्ड इट, यू कैन, इट इज अ, इसका लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इसमें स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, अगर इसमें स्टैंडर्ड संडे डेटर लिखा है तो सबको डेटर्स के लिए संडे डेटर लिखना पड़ेगा, इसलिए दो तीन अगर मान लो टीसीएस इंफोसिस और मुझे विप्रो में कंपेरिजन करना है, XBRL में बहुत आसानी से होगा, बिकॉज सबके नाम एक जैसे, सबका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेकर हर चीज वो एक जैसी ही फॉलो करेंगे, सब लोग WDV कर दो, सब लोग WDV करेंगे, ऐसे नहीं कोई SLM डिप्रेशन कर रहा है, कोई WDV कर, दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ मेस, दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कम ऑन गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड सीरियसली, सो XBRL इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। You must have seen in section number 137 of Companies Act 2013, it is required to upload data in how many days? Within 30 days from the meeting. But it will not be uploaded in your own format. It will be uploaded in, come on guys, in the format of XBRL. That's why there are a lot of people, a lot of chartered accountant and CS started this job where they take your normal accounting data and they try to convert your data into what, XBRL language. So, this is done. I think it is understood now. XBRL, आपको समझ गया होगा? Yes, sir. ये इट इज नॉट द लैंग्वेज विच यू यूज इन व्हाट्सएप, हो ये बिजनेस रिपोर्टिंग, आपको किसी लड़की को प्रपोजल करना है, बोला मैं XBRL में प्रपोज करता हूं, हौली हो जाएगी, ऐसे नहीं करना आपको, ये उसके लिए, ये बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, ये बिजनेस यानी बैलेंस शीट को बयां करने वाली लैंग्वेज है, पी एंड एल अकाउंट को। व्हाट डज XBRL डू, क्या करता है ये, पीपल पब्लिशिंग रिपोर्ट्स टू डू सो विद कॉन्फिडेंस दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन इन देम कैन बी व्हाट, क्या लिखा है, कंज्यूम्ड एंड व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप उसको, ये XBRL क्या करता है, तो बोलता है कि आप उसको अच्छे से एनालिसिस करते हो, बिकॉज सबका फॉर्मेट एक जैसा होगा, पीपल कंज्यूमिंग रिपोर्ट्स टू टेस्ट देम अगेंस्ट द सेट ऑफ बिजनेस लॉजिकल रूल्स, ये क्या है, टू कैप्चर अवॉइड मिस्टेक्स, यानी कि उसमें लिखा होगा अगर 10 मोबाइल नंबर चाहिए तो कोई इंसान ने 9 मोबाइल नंबर लिया वो एक्सेप्ट नहीं करेगा,
अगर वहां पर WTO वाला आप SLM वाले तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीपल यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, अपने अपने लैंग्वेज में लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और पीपल कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन टू डू सो कॉन्फिडेंट दैट द डेटा प्रोवाइडेड टू देम कन्फर्म्स टू सेट ऑफ सोफिस्टिकेटेड प्री डिफाइंड डेफिनेशंस, यानी कि अगर सनडी डेटर लिखा है तो सब लोग सनडी डेटर। तो इस तरह से वो XBL का आपको ये जो मैंने अभी बोल रहा था पहले ज्ञान दिया वही लिखा है इसमें। अब पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, तो आपको ये जो क्वेश्चन है XBL क्या करता है और XBL ये क्वेश्चन पूछो तो आपको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अब कौन यूज करता है उसका, रेगुलेटर मतलब कौन है, सेबी, सेबी बोलता है उसमें चाहिए तो उसमें देना पड़ेगा। कंपनीज कौन, अब अपने से देखो ये तो सेक्शन नंबर 137 का रिक्वायरमेंट है, ये तो जो लिस्टेड कंपनीज का सेबी का रिक्वायरमेंट है तुम कर, तो इसे रिलायंस जैसे कंपनी को जो लिस्टेड है या फिर जो सारी कंपनी है 137 को जिसको एप्लीकेबल है उनको XBL में ही डेटा देना पड़ेगा। तो ये रेगुलेटर्स के लिए भी काम का है, जो कंपनी जिसको सेक्शन अप्लाई उनके लिए भी काम का है। गवर्नमेंट जैसे कि ROC बोलेगा मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, और आपको मालूम है ये सारा डेटा ₹5 ₹50 देकर आप MCA की वेबसाइट पे XBL कॉपी ले सकते हो, ताकि आप 2-4 कंपनी में पैसे लगाने से पहले उसको, तो इसलिए इन्वेस्टर के भी काम का है। साथ साथ में डेटा प्रोवाइडर लाइक व्हाट moneycontrol.com, वो भी ऐसी कॉपी को प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग आसानी से कंपेयर करें और उस जगह पे पैसा लगाए जो बेटर है। और लास्ट में अकाउंटेंट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता ही होना चाहिए, अगर हम लोग नहीं बना के देंगे तो लोग अपलोड कैसे करेंगे। तो इसकी यूजर कौन से होते हैं, कंपनीज, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, अकाउंटेंट, डेटा प्रोवाइडर और एनालिस्ट, आई मीन इन्वेस्टर्स। ओके, आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर कौन से, इसे एक सबसे बड़ा मल्टी लैंग्वेज, इसके लैंग्वेज आप जैसे चाहे आप जिस कंट्री में उसके हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो। इसके टेस्टेबल बिजनेस रूल्स है, अगर इसे बोलूंगा 10 का डिजिट नंबर मोबाइल नंबर होना चाहिए और पिन नंबर इतने का होना चाहिए, अगर कोई रॉन्ग डेटा भर रहा होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका XBL का फाइल बनेगा। अगर XBL का फाइल बना है मतलब वो अच्छा ही होगा, गलती का स्कोप क्लियर डेफिनेशन, यानी कि आप लिखा होगा सनडी डेटर को एज सनडी डेटर लिखना चाहिए, आप डेटर नहीं चलेगा। हर एक चीज का बिल्स पेबल, आप बीपी लिख रहा है, कोई पेबल लिख रहा है, हा? कोई उसको सनडी डेटर लिख रहा है, ऐसा नहीं हो। बिल्स पेबल मतलब, हाँ मतलब उसमें वो कुछ हर एक आदमी अपने हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं हो। लास्ट में देखो भाई, इतने सॉफ्टवेयर जो XBL में अपने डेटा, अपने टैली को XBL में कन्वर्ट करने के लिए आपको XBL के सॉफ्टवेयर चाहिए लेने, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध है और वो सॉफ्टवेयर वाले आपको सर्विस भी देंगे अच्छे से, ऐसा उनका बोलना है। ये लिखा है स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट है, बताएंगे इंपॉर्टेंट फीचर कौन से, इसके लैंग्वेज अलग अलग है, सपोर्ट आपको मिलता है, डेफिनेशन अलग है, एक डेफिनेशन अलग मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और रूल्स ऐसे है ना कोई गलती करेगा तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो इसके प्रमुख दो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज XBL, कौन उसको यूज करता है और XBL के फीचर क्या है। टैगिंग समझता है आपको, अब समझो मैंने सनडी डेटर को SD लिखा होगा, किसी ने डेटर लिखा होगा, उसको टैग कर देंगे सनडी डेटर्स नाम से, तो चाहे जिसने कुछ भी लिखा होगा तो उसका नाम वो टैग कर देगा ये सनडी डेटर्स है। तो इसके से क्या होगा, टैगिंग की वजह से क्या हो रहा है, हर एक की बैलेंस शीट में वही नाम अलग अलग नहीं लिखेंगे, टैग हो जाएंगे बराबर से, समझ गए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस तो बहुत ही आसान है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा रफ बताऊंगा, बहुत ही इजी है। देखो बच्चों, बिजनेस करते समय Amazon जैसे लोग, Walmart जैसे लोग बहुत डेटा कलेक्ट करते हैं, बिग बाजार में जाएंगे, पुणे सेंट्रल में जाएंगे, दे कलेक्ट लॉट ऑफ डेटा, बट व्हाट इज द यूज ऑफ कलेक्टिंग सच डेटा इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू बिजनेस इंटेलिजेंस। अब बहुत बड़े बड़े मॉल्स है, उसमें डेटा कलेक्ट होता है, कस्टमर आता है, बाय करता है, उसका इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इन सब डेटा के ऊपर बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल लगा के उससे ग्राफिकल रिपोर्ट बाहर निकलते, पाई चार्ट, बार चार्ट, ऐसे, ताकि उन रिपोर्ट्स को देख के हम अच्छे निर्णय ले सके, उसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। अगर उस डेटा को अगर हमने हार्ड डिस्क में रखा और उससे अच्छे प्रॉपरली ऐसे रिपोर्ट्स नहीं निकाले, कौन से, बार चार्ट, पाई चार्ट, तो इट विल बी जस्ट अ नॉर्मल डेटा, इट विल बी रॉ डेटा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल वी कैन कन्वर्ट दिस रॉ डेटा इनटू बिजनेस इंटेलिजेंस। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास में बिजनेस इंटेलिजेंस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा करेक्ट डिसीजन लेगा, उनके मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते। अंडरस्टैंड करो, ये एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस सेम ही है, डेटा को एनालिसिस करना, ये नाम डोंट गो, मतलब वो क्या नॉमिनक्लेचर क्या दिया वो फॉरगेट अबाउट, पर कॉन्सेप्ट क्या हो समझो, बहुत डेटा कलेक्ट करते हैं लोग, उनका नाम, उनका एड्रेस, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे, कौन से कंट्री से, सब फलाना वाला डेटा ले, पर इनका कलेक्शन का मतलब क्या है। एक बार प्रोडक्ट देने के बाद में उसका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब निकल सकता है अगर उसमें एनालिटिक्स के और इंटेलिजेंस के टूल लगाए तो अच्छे बार चार्ट, पाई चार्ट, ऐसे रिपोर्ट्स मिलेंगे, ताकि जैसे
पिछले दिवाली में क्या सेल हुआ था, 10 साल की दिवाली निकाल लो, अगर उसका डेटा अगर मेरे पास है कौन सी चीज ज्यादा बिकती है, तो अगले दिवाली में मैं वही चीजें मंगवाऊंगा। आप बताओ मैं ऐसे दिवाली में कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए, और दिवाली में अक्सर लोग क्या ज्यादा बाय करते हैं, अगर इस चीज का मानो तो इस आने वाली दिवाली में मैं वही प्रोड्यूस करूंगा जो पिछले 10 साल में हो रहा था, तो मेरा प्रोडक्शन वेस्ट नहीं होगा। तो ये इंटेलिजेंस होना जरूरी है। सो व्हेन आर यू डूइंग प्रोडक्शन, और कोई कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ नया लॉन्च कर रहे हो, तो आपके पास में इंटेलिजेंस होना जरूरी है, वरना आपका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। ये इसका मतलब पढ़ के आपको समझ जाएगा, ये आपको समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, 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 चलो 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 आगे बढ़ते। ओके ओके, कमन कमन गाइस, चलो सारी चीजें बस क्लियर है। अब बताओ इस चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, सारा पूरा चैप्टर जो है अपने सामने ही, आंखों के सामने पूरा, आपको मैं पूछूंगा इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या देखा था, बोलो जल्दी से। फ्रंट एंड बैक एंड, मेरे सामने जो फ्रंट एंड जैसा डेटा था वो क्या है, बैक एंड। तो कौन डेटा मांगता है, फ्रंट एंड, कहां से डेटा था, बैक एंड। आप बताओ, हमने देखा था इंस्टॉल्ड, यानी कि जो मेरा टैली सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल्ड है, और जो swapnilpatni.com का जो MIS सॉफ्टवेयर है जहां से वो डेटा कहीं से भी दिखता है उसको क्या लेंगे, वेब सॉफ्ट, वेब बोला है, क्लाउड बोला। आप बताओ कौन सा दुनिया में कैसे एक्सेसिबल है, वेब, कौन सा वहीं पे जाके एक्सेस होगा, इंस्टॉल। तो कहां पे, हार्ड डिस्क में होगा, और कौन सा क्लाउड पर होगा, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड में, कौन सा जहां पे सब चीजें लिंक्ड होती है, सारे मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं, और सब डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अलग होगा, नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड के दो प्रॉब्लम कौन से हो, एक दूसरे को बोलने के चक्कर में कम्युनिकेशन करा होता है और डेटा मिसमैच भी हो सकता है। ईआरपी के फीचर्स बताओ भाई, सारे मॉडल का नाम बोल दो। ओके, आगे बात करेंगे। अब बताओ टाइप्स ऑफ डेटा में, मास्टर डेटा है, नॉन मास्टर, कहां पे जो डेटा बार बार चेंज नहीं तो उसको मास्टर बोलते हैं, जो डेटा बार बार चेंज होता है उसको, और मास्टर डेटा के टाइप्स होते हैं एआईपीएस, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, पेरोल एंड स्ट्रक्चर, सॉरी स्टैट्यूटरी। वाउचर टाइप, अगर वाउचर ही नहीं होंगे तो हम लोग डेटा एंट्री कैसे करेंगे, वाउचर नंबर कैसे होना चाहिए, सिक्वेंशियल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और हर एक वाउचर टाइप के सबसे अलग अलग नंबर हो सकते हैं, ये है वाउचर नंबर की बात। अकाउंटिंग फ्लो के बारे में क्या बोला, इसमें कुछ ह्यूमन काम करते हैं, ये मतलब किसके एंगल से, सॉफ्टवेयर के एंगल से बनाया हुआ है, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन वो जो हमारा कौन सा टिपिकल अकाउंटिंग फ्लो, वहां पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई वाउचर होगा, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वाउचर होगा, जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, फिर क्लोजिंग एंट्री, और फिर बाद में वहां पे क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ग्रुपिंग क्या होता भाई, ये अगर जो ग्रुपिंग आपको वो देना जरूरी है, अगर आपने कैश को करंट लायबिलिटी बोल दिया तो आपको कैश कहा जाएगा, लायबिलिटी जाएगा, तो इसलिए मतलब ग्रुपिंग करना बहुत ही, और ग्रुपिंग ने मतलब आपकी बैलेंस शीट समराइज बन नहीं सकती। आगे अब बात करो क्या लिख रहा है, रोल बेस है, देखो ईआरपी में डेटा सबको दिखता है पर उसको उतना दिखता है जिसका उसका रोल है, सबको सब कुछ उसको दे आरबी। अब बात आगे करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेस क्या लिखा है यहां, अरे बोलो टाइप्स ऑफ एक्सेस, ईआरपी में जितने लोग एक्सेस करेंगे सबको, जैसे कि मास्टर का, नॉन मास्टर का, रिपोर्ट का, सीएवीपी, क्रिएट, ऑल्टर, व्यू प्रिंट, उसमें से जो देना अपन डिसाइड कर सकते हैं। ऑडिट करते समय चेक करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, उसके अंदर लोगों को ट्रेनिंग मिली क्या, अवेयरनेस है क्या, उसके अंदर सब लोग को सबका डेटा आरबीएसी किया हुआ है क्या, ये सारी चीजें, सबका ईआरपी का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रहा है क्या, ईआरपी के रिपोर्ट्स यूजर के हिसाब से बने हैं क्या, ईआरपी कस्टमाइज किया है क्या, गवर्नमेंट की कंप्लायंस फॉलो किया गया, ये सब ईआरपी के ऑडिट में किया जाता है। आगे बढ़ो, 11 मॉड्यूल्स है, बताओ इसमें से कौन सा मॉडल जो कस्टमर को खुश करता है, सीआरएम, कौन सा मॉडल जो ह्यूमन रिसोर्स का डेटा मेंटेन कर रहा है, एचआर, कौन सा मॉडल जो मेरे एक ही शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारी मशीन है, प्लांट एंड मशीन, अगर मुझे कॉस्ट कम करना है तो कंट्रोलिंग, अगर मुझे बैलेंस शीट एचआर, बैलेंस शीट का डेटा देखना है तो फाइनेंस, अगर मुझे देखना है कि मेरा जो मटेरियल है मक्खन टाइम पे मिलना चाहिए तो मटेरियल प्लानिंग, उसके बाद में अगर मुझे देखना सही समय पे सही संग को सही डिलीवरी होना चाहिए, सप्लाई है ना, सप्लाई वाला है ना कुछ बजे, और अगर सीरम को मान लो अगर उसको राइट प्रोडक्शन का, तो उसके अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग का, तो हर एक मॉडल का अपना एक रिक्वायरमेंट है। आप बात करेंगे, बताओ मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं यहां पे, अगर मैं आपसे पूछूंगा मटेरियल प्लानिंग के लिए 6 स्टेप्स कौन से, वो पहले वो प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन वाला देगा परचेस को, फिर परचेस वाला उसको इवैल्यूएट करेगा, फिर वो वेंडर्स को भेजेगा, वेंडर्स को माल देगा, वेंडर्स का कंपेयर करके उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर माल मिलेगा, मटेरियल रिसीट होगा, फिर मटेरियल इश्यू होगा, फिर वो इन्वेंटरी, फिर वो इनवॉइस रेज करेंगे और हम उसका पेमेंट करेंगे। तो ये बहुत इजी है। चलो सेल्स के स्टेप बोलो, प्री सेल्स एक्टिविटी, फिर सेल्स करेंगे, फिर इन्वेंटरी में चेक करेंगे, फिर मटेरियल डिस्पैच करेंगे, फिर बिलिंग देंगे और उसका पैसा मिलेगा।
अब बात करिए MIS, MIS में कौन सी चार बातें होना चाहिए? स्टार होना चाहिए, S for structure, T for timeliness, A for accurate, and R for what? Relevant. अब बताओ integration होना जरूरी है? हाँ. अब बताओ finance का integration HR से होना जरूरी है? हाँ. नहीं तो अगर finance को HR का data मिलेगा तो finance department planning कैसे करेगा? और finance को अगर material का data मिलेगा नहीं तो finance department planning करेगा कैसे? Example अब ERP modules 11 में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, और ये बात तो हमने पहले पढ़ी थी. अब बताओ XBL का नाम बताओ, ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, पूरी वर्ल्ड की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बिजनेस रिपोर्टिंग की लैंग्वेज है. बैलेंस शीट हम लोग चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर मेंटेन करें, पर अपलोड 137 के हिसाब से XBL में होना जरूरी है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. इसकी यूजर कौन से? गवर्नमेंट है, रेगुलेटर है, कंपनीज है, अकाउंटेंट है, डेटा प्रोवाइडर है, इन्वेस्टर्स है. उसके अंदर चार इसके फीचर कौन से कौन से? मल्टीपल लैंग्वेज मिलते हैं, इसको मल्टीपल सपोर्ट मिलता है, इसके रूल्स स्ट्रिक्ट है, वही रूल में सबमिट होता है, और साथ साथ में क्लियर डेफिनेशन है कि किसको क्या बोलते हैं. तो ये सब हुआ है, और ये बिजनेस इंटेलिजेंस ऑफ डेटा, चाहे जितना डेटा कलेक्ट करो, ये डेटा का कोई मतलब नहीं अगर उसका एनालिसिस ना हो. इसलिए क्या करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल लगा लगा के इस पूरे डेटा का एक बिजनेस इंटेलिजेंस करके दीजिए, चार्ट में, बार चार्ट में, ताकि हम लोग क्या कर सके, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट और करेक्ट और टाइम पे डिसीजन ले, ताकि हम लोग कॉम्पिटिशन में आगे जा सके. इसी तरह से ये पूरा हो गया. देखो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया. अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, इस चैप्टर में मेनली क्या दिया हुआ है? एक तो ईआरपी के 11 मॉड्यूल्स दिखते हैं मुझे, एक तो XBL दिखता है. हाँ बोलो, चलो इस चैप्टर में क्या दिखा, ये जरा थोड़ा सा समरी में चार्ट बनाते हैं, एक मिनट के लिए बस, उसके बाद में वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर. ओके चालू करो कम ऑन. चलो बहुत ही अच्छा बड़ा आपने चैप्टर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है. आप इस चैप्टर में हमने क्या देखा, एक तो ईआरपी देखा, और ईआरपी के हमने फीचर्स देखे, है ना. बाद में हमने क्या करा, ईआरपी के 11 मॉड्यूल देखे. फिर हमने क्या करा, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड में हमने क्या किया, डिफरेंस देखा, फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस देखा. फिर आपसे एक सवाल पूछना था, वो हमने देखा ना, टैक्स और अकाउंटिंग का अलग सॉफ्टवेयर है, उसके बाद बताएंगे. अगर अलग सॉफ्टवेयर तो टाइम कंज्यूम होगा, अलग सॉफ्टवेयर होगा तो एरर हो सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर तो टाइम भी कम लगेगा, एक्सपेंसिव बहुत होगा. कहां पर टाइम बहुत लगेगा? अलग सॉफ्टवेयर. कहां पर टाइम नहीं लगेगा? सिंगल सॉफ्टवेयर. समझ में आ रहा है कौन सा ट्रेंडिंग है जो दोनों का क्लब किया जाएगा, किसमें फीचर्स ज्यादा होंगे जो दोनों अलग है. तो ये एक हमने देखा. उसके बाद हमने XBRL एक कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा जिसका नाम है बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट देखा, सही है. फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा जिसका नाम है MIS. फिर हमने देखा कि एक वो RBAC क्या था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, उसमें हमने देखा था CAVP भी हमने देखा, याद है. और मुझे लगता है कि हमने बस इतना ही देखा क्या सर? हाँ हमने वो देखा ना, एक मिसलेनियस मास्टर नॉन मास्टर, फिर वाउचर के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, वाउचर के फीचर्स क्या होते हैं, बराबर है. फिर हमने देखा था ग्रुपिंग का मतलब क्या है. तो ये सारे चिल्लर जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, ये इतना ही चैप्टर है, ये चैप्टर इतना ही है. तो आपको देखो कोई भी चैप्टर बड़ा लगता है, पर जब उसको इस लेवल पर लाते हो ना, अब क्या होना चाहिए, अगली बार आपने इनमें से किसी के बारे में भी सोचा तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग. आप हर बार बुक में घुसेर घुसेर के पढ़ोगे, आपने कल अरे ERP में क्या क्या बोला रहे, आपको रिकॉल होना चाहिए. फिर उसमें उस क्वेश्चन का जवाब क्या था आपको आना चाहिए. फिर नहीं आना, फिर आपने किताबें खोलना चाहिए. हर बार किताब खोल खोल के नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. आपको यू शुड रिकॉल ऑन योर ओन. ओके.